हमने जो चर्चा करी थी उसकी वो हमने पूरी कथा की चर्चा करी थी जिसे हम इतिहास कहते हैं कौरव पांडवों की जो कथा है मतलब उनके जीवन में जो भी घटित हुआ और कैसे धर्म उनके जीवन का भाग था या अधर्म धर्म जो भी जिस प्रकार उनका व्यवहार रहा था और उसके कारण क्या क्या हुआ उनके जीवन में परंतु तो महाभारत को ना कहा जाता है की ये अर्थशास्त्र भी है ये धर्म शास्त्र भी है ये काम शास्त्र भी है तो ऐसा क्यों कहा जाता है महाभारत के जो एक लाख श्लोक है उसमें ये मेन कथा तो है ये मेन कथा कदाचित पच्चीस तीस हजार श्लोकों की होगी उसके अलावा बहुत सारे संवाद और व्याख्यान है महाभारत में जनरली हम जब टेलीविजन वगैरह में देखते हैं तो युद्ध होने तक हम देखते हैं महाभारत पर उसके बाद तो महाभारत की अगर आप गीता ब्रस के अनुसार देखो तो दो पूरे वॉल्यूम्स बचे हैं महाभारत के ख़त्म होने से पहले

और उन्होंने महाभारत अन पार्ट वन जो लिखी थी जिसके ऊपर हमने पॉडकास्ट किया था उसी का दूसरा भाग महाभारत अनवल्ड पार्ट टू भी आ गया है और इस पर हम बात करेंगे अमी जी से स्वागत है आपका अमी जी धन्यवाद संजय जी बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए जय श्री राम जय श्री कृष्ण जय श्री राम जय श्री कृष्ण और ये बताए कि आपने महाभारत अनरेवल्ड पार्ट वन लिखी थी उस पर हमने पूरी चर्चा जी। भी की थी तो अब ये महाभारत अनरेवल्ड पार्ट टू में ऐसा क्या है जो उसमें रह गया था <laughs> कि हमने तो उसकी आदि से अंत तक चर्चा कर ली थी जी हमने आ, हमने जो चर्चा करी थी उसकी वो हमने पूरी कथा की चर्चा करी थी जिसे हम इतिहास कहते हैं कि कौरव पांडवों की जो कथा है मतलब उनके जीवन में जो भी घटित हुआ और कैसे धर्म उनके जीवन का भाग था या अधर्म धर्म जो भी जो भी जिस प्रकार उनका व्यवहार रहा था और उसका क्या फाइनल जो उसके कारण क्या क्या हुआ उनके जीवन में परंतु महाभारत को ना कहा जाता है कि ये अर्थशास्त्र भी है ये धर्मशास्त्र भी है ये कामशास्त्र भी है तो ऐसा क्यों कहा जाता है आ, इसका कारण ये है कि महाभारत के जो एक लाख श्लोक है उसमें ये मेन कथा तो है ये मेन कथा कदाचित पच्चीस तीस हजार श्लोकों की होगी उसके अलावा बहुत सारे संवाद और व्याख्यान हैं महाभारत में जैसे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व और शांति पर्व पूरा संवाद है संभाषण है भीष्म और युधिष्ठिर के बीच और वो भी तब जब युद्ध हो चुका है जनरली हम जब टेलीविजन वगैरह में देखते हैं तो युद्ध होने तक हम देखते हैं महाभारत पर उसके बाद तो महाभारत की अगर आप गीता प्रेस के अनुसार देखो तो दो पूरे वॉल्यूम्स बचे हैं महाभारत के खत्म होने से पहले तो एक जो है शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है जिसमें युद्ध के बाद भीष्म पितामा बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और उस समय कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि ये जो कौरवाणाम धुरंधर ये कौरवों के जो धुरंधर हैं ये अभी अस्त हो जाएंगे जैसे और जो ये रात ये अमावस्या की रात जैसा यहाँ का वातावरण हो जाएगा ये अत्यंत ज्ञानी है धर्म विदाम श्रेष्ठम ऐसे वो कहते हैं कि जो धर्म का ज्ञान रखते है, हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं भीष्म तो तो तुम तुम उनसे उनसे ज्ञान ज्ञान लो लो वो अपना देह त्याग उसके पहले तुम उनसे ज्ञान लो. तो इस प्रकार से शांति पर्व की शुरुआत होती है और बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जिसमें जो मैंने मैंने कवर किया है वो है राजधर्म कि एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए अब हम कहते राजधर्म है तो राजा मतलब तो कोई भी लीडर ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चलाता है उसने कैसे सारे अपने जो स्टेक uh, होल्डर्स अगर मैं मेरी कॉर्पोरेट भाषा में कहूँ तो उनको कैसे साथ लेके चलना चाहिए किस प्रकार से दंड जस्टिस सिस्टम कैसी होनी चाहिए किस प्रकार से आपको टैक्स कलेक्शन करना चाहिए राजा की दूसरे का क्या कर्तव्य है सिक्योरिटी वगैरह वगैरह उस पर एकदम डिटेल में उन्होंने चर्चा की है जो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी उतना ही प्रासंगिक और रेलिवेंट है तो uh, मैंने सोचा ये हम हम तक आना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वेस्टर्न लेंस से हमें अपने आप को नहीं देखना चाहिए तो हमारा क्या लेंस है तो हमारा लेंस तो पता चले जिससे हम जो फिर पॉलिसी इनपुट में जा सके कि भाई हम किस प्रकार पॉलिसी करें जैसे आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ हम जब आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एक तरफ है कैपिटलिज्म एक तरफ है कम्युनिज्म या सोशलिज्म इसी की हम बात करते हैं तो इसको बहुत ही ना संक्षिप्त में एक बात कहते हैं भीष्म वो कहते हैं कि राजा का क्या काम है लोक रंजनम कि लोगों का वेलफेयर ये राजा का सबसे बड़ा काम है प्रजा रक्षण काम है पर उसके साथ साथ वो ऐड करते हैं पर हनियत कालम दापयत कि जो औरों का वित्त है इसको कभी हन हनन आपको नहीं करना चाहिए और जिसको जो देना है वो समय सर दे देना चाहिए मतलब एक एंड पे आप कह रहे हो कि वेलफेयर तो आपको करना है साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि वेल्थ क्रिएशन को भी आपको उतना ही ध्यान देना है और जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उस समृद्धि को को उस wealth को, उस वेल्थ अर्थ का आपको उसको खतम, उसको खत्म खराब भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ वेलफेयर जो सोशलिज्म की बात आती है सोशलिज्म में वो क्या कहते हैं जो जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको विलन बना देते हैं और कैपिटलिज्म में यह है कि वेलफेयर की तो बात ही नहीं है केवल आप जितना एक्सप्लॉयड कर सको कर सको क्योंकि केवल प्रॉफिट मैटर करते हैं तो एक इतनी छोटी सी बात में भी वो दोनों बातों को ला रहे हैं कि आपको प्रजा का ध्यान तो रखना ही है पर साथ-साथ आपको वेल्थ क्रिएशन भी उतना ही जो अर्थ उत, उत्पादन है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थ के बिना तो आप राज्य चलाओगे कैसे तो ये हमारी बेसिक फिलॉसफी पहले से रही है कि इट्स नॉट दिस साइड और दैट साइड दोनों को साथ लेके चलना है तो इस पर थोड़ा सा मैंने कवर किया है उसके अलावा विदुर नीति है जो uh, धृतराष्ट्र और विदुर जी के बीच का संवाद है जब संधि चल रही है वनवास के बाद जब संधि चल रही है युधिष्ठिर और युद्ध के पूर्व युद्ध के पूर्व के पूर और वनवास के बाद उस समय एक एक रात्रि ऐसी है जब धृतराष्ट्र बहुत ही टेंशन में है क्योंकि उनको संजय ने कहा है कि संजय को उन्होंने भेजा था अः युद्धिष्ठिर से संधि प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव तो क्या उनको ये कह रहे हैं कि आप शांत रहो जहां रहो खुश रहो युद्ध मत करो क्योंकि जब वो में में थे पप में थे exactly. कि भाई घर पे तो हमें तो युद्ध नहीं करना चाहिए परिवार के बीच वगैरह वगैरह इसलिए आप जहां रहो सुखी रहो खुश रहो ऐसे करके उन्होंने मैसेज भिजवाया पर संजय को फिर ऑब्वियसली युधिष्ठिर कृष्णा अर्जुन सभी बहुत मतलब उनको अच्छी नहीं लगती है ये बात है ना वो कहते हैं कि ये कब तक अन्याय हम सहन करेंगे तो वो कुछ कुछ उनको संजय को मैसेज देते हैं और संजय ने वहां पर जो भी ऑब्जर्व करा है कि, कि किस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन की डायनामिक्स वगैरह हैं तो उनको एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर युद्ध होता है तो जीत तो पांडवों की ही होगी ये बात संजय को एकदम सही से समझ आ जा जाती है तो वो वापस आते हैं शाम का समय है वो वापस आते हैं धृतराष्ट्र से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे जो कहा पांडवों ने वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा वो मैं आपको कल सभा में सबके बीच ही बताऊंगा परंतु एक बात आपको मैं कह देता हूं कि अगर ये युद्ध हुआ तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे अब ये जब वो कहते हैं तो पूरी रात धृतराष्ट्र सो ही ही नहीं पाते बहुत ही संताप में है वो और जब वो ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो उनको एक ही मनुष्य का स्मरण होता है वो है विदुर तो वो विदुर को रात को बुलाते हैं और पूरी रात उनका संवाद चलता है वो विदुर नीति में आता है आई थिंक इट्स अ मास्टरपीस इतना सुंदर है वो कि लोगों को कैसे समझे वृत्तियाँ कैसी होती है वगैरह वगैरह तो वो दो तो मेन है जो मुझे कवर करने ही थे जो पहले वाले में नहीं कवर हुए थे वो अलग से मुझे लगा उसके लिए आपको फोकस करके लिखना पड़ेगा और साथ साथ दो तीन छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें एक है आ, काम गीता काम गीता ये आती है ये भी एकदम अंत में आती है ये आ, आ, जब भीष्म पितामह ने देह त्याग कर दिया है और फिर एक बार युधिष्ठिर जो है वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं शांति पर्व में जो उनका भीष्म के साथ संवाद होता है उस समय भी युधिष्ठिर युद्ध के बाद उनकी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे राज नहीं चाहिए इतना सारा विध्वंस हो गया है तो मैं तो प्राश्चित करने के लिए वन में जाना चाहता हूँ उससे शांति पर्व की शुरुआत होती है फिर उनको थोड़ा धाड़स बंधाया है सबने पर जब फिर से भीष्म जी ने अपना देह त्याग कर दिया तो फिर वो उस ग्लानी में चले जाते हैं और उस समय फिर कृष्ण उनको कहते हैं कि तुमको लग रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी बात तुम कर रहे हो पर ऐसा है नहीं तुम कामग्रस्त हो तुम्हें तुम्हारे दोष दिखाई नहीं दे रहे कि क्यों गर, बारी बारी से अब वापस उस ग्लानी मोड में जा रहे हो उसका कारण क्या है वो भी एक वृत्ति की आपकी वो दोष है आपकी वृत्ति में और वो काम के कारण है तो वो उस पर फिर काम अपने आप के बारे में क्या कहते हैं वैसे एक छोटा सा प्रसंग है जिसको काम गीता कहा है उसके अलावा व्याध गीता है जिसमें एक जो आ, जो मांस बेचता है वो एक ब्राह्मण को ज्ञान देता है तो ये सारे डायरेक्ट कथा तो में नहीं है बहुत सुंदर है।, है पर ये डायरेक्ट कथा में नहीं है पर मुझे लगा कि ये इस विषय में बात होनी ही चाहिए ये अगर इतना गहन ज्ञान हमारे ग्रंथ में है तो वो लोगों तक आना ही चाहिए इसलिए ये दूसरी पुस्तक लिखी है इसीलिए मैंने नाम भी रखा है आपने यक्ष प्रश्न को अलग से जी यक्ष प्रश्न हां उसको भी डिटेल में कवर किया पहले में छोटे ही भाग में किया था पर वो भी फिर डिटेल में कवर किया है इसमें जी जी हां तो इसमें जो आरंभ आप करते हैं आपके विशेष रूप से जो आपका जो इसका इंट्रोडक्शन है वो धर्म के विषय पर जी चर्चा करता है धर्म क्या है और आपने इसमें धर्म का प्रसंग जो है वो धारेते इति धर्म ये ये आपने इसमें दिया है जी। तो uh, fact, मेरा ये मानना है संजय जी कि जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम महाभारत क्या रामायण क्या हम किसी को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इन दोनों को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं और धर्म की व्याख्या धर्म की व्यापकता नहीं समझने के कारण ऐसा हो जाता है कि हम इन इतिहासों को केवल है ना कि इन्होंने सही किया इन्होंने गलत किया अरे ये जातिवाद हो गया अरे ये स्त्री द्वेश हो गया उसी में देख रह जाते हैं हम जो प्रोटिकॉन जो भी उसके उनके पात्र है उनकी अगर हमें सही से उनके निर्णयों को समझना होगा उनके कृत्यों को समझना होगा तो धर्म को समझना आवश्यक है धर्म का यूजुअली डेफिनेशन तो रिलीजन करते हैं परंतु तो धर्म बहुत ही व्यापक है और इनफैक्ट व्हाट इज धर्म धर्म क्या है इसका मैं डिटेल में पहली पुस्तक में इससे भी ज्यादा मैंने डिटेल में स्टार्ट ही उससे किया है धर्म को आ, धर्म का जो रूट शब्द है वो है ध्रुव और ध्रुव धरती का भी रूट शब्द है धैर्य सबका रूट शब्द वो है जिसका डेफिनेशन ही है टू सस्टेन एंड टू अपहोल्ड धारण करना इसको हम कहते हैं और फिर उसका जो डेफिनेशन जो कृष्ण कहते हैं और वही फिर भीष्म भी कहते हैं वो है धारणात धर्मित्याहु धर्मो धारयति प्रजा यहस्यात धारण संयुक्तम सह धर्म इति निश्चयह क्योंकि वो धारण करता है इसीलिए उसे धर्म कहा जाता है किसे धारण करता है प्रजा को समाज को केवल वही जो धारण करता है वो धर्म है अब धारण करने का अर्थ क्या कि हम दैट व्हिच सस्टेन्स एंड अपहोल्ड्स अब आज देखिए कॉर्पोरेट में एक शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है उसका सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल गोल्स और सस्टेनेबिलिटी मतलब वो केवल क्लाइमेट वातावरण इसी सबसे देखते हैं हमारा हमारी जो कोर दर्शन हमारा रहा है हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी धर्म वो कार्य जो किसी व्यवस्था को आगे बढ़ते रहने में प्रगति करने में जो सहायक हो वो सिद्धांत ही धर्म हो सकता है क्योंकि इसके साथ भीष्म और कृष्ण ये भी कहते हैं प्रभवर्थाय भूतानाम लोगों के प्रभाव के लिए उनके श्रेय निश्रेयस के लिए उनकी प्रगति के लिए हमने धर्म की व्याख्या की है और वह वो सिद्धांत जो प्रगति करने में आगे बढ़ने में सहायक रूप हो वो ही केवल धर्म है अब इस बात को लेकर अगर हम धर्म को समझे तो हमको सारे एक्शन भी समझ में आते हैं मैं एक छोटा सा आपको आपको कथा बताती हूँ जो पहले में कवर किया है वो, वो कथा बहुत सुंदर है ये कथा है युद्ध के सत्रहवें दिन की और सत्रहवा दिन युद्ध का चल रहा है और आ, कर्ण और अर्जुन के बीच अब युद्ध होना निश्चित है क्योंकि बाकी सब तो तब तक दुर्योधन को छोड़ के बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है शकुनी दुशासन ये सब तो जा चुके हैं तब तक अच्छा अब उस दिन क्या होता है कि अब तक तो कर्ण ने कुछ खास किया नहीं है पर सत्रहवें दिन वो पूरे जोश में है कि आज तो मैं दिखा दूंगा कि क्या मेरा मेरा क्या शौर्य है क्या पराक्रम है और उसने तभी युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा क्षत विक्षत कर दिया है और युधिष्ठिर को बहुत लगा है तो उस समय वो क्योंकि शरीर में इतने घाव है उनके तो उनका सारथी उनको फिर उनके शिविर ले जाता है तो जब कृष्ण और अर्जुन नहीं देखते युधिष्ठिर को तो आ, वो सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया भैया कहाँ गए तो कृष्ण कहते हैं चलो शिविर में जाके देखते हैं वो जब शिविर की ओर जाते हैं तो युधिष्ठिर को ये लगता है कि अरे ये ये मुझे अच्छा समाचार देने आए हैं कि कर्ण को मार दिया क्योंकि उनको इतना लगा है शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है गुस्सा भी है क्योंकि उन्होंने आ, आ, कर्ण ने उनको हरा दिया था तो जैसे ही अर्जुन आते हैं तो वो कहते हैं अरे रे वाह मेरा भाई बहुत अच्छा काम किया मुझे पता है तुम तो मुझे समाचार देने आए हो कि तुमने कर्ण को मार दिया बहुत बढ़िया और अर्जुन कहता है नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है अभी तो मैं कर्ण से मुझे लड़ाई करनी है हमको तो केवल ये देखना था कि आप ठीक से है ना इसलिए हम देखने आए थे अभी तो मैं जाकर अब कर्ण से आप है, तो मैं कर्ण से जाके लड़ूंगा और ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मालूम था तुम तुम तो तो कायर हो तुम तो हो डरते कर्ण से तुम्हारे जगह पर तो उससे अच्छा मेरा आ, मेरे मेरा पुत्र घटोत् अगर जीवित होता या अभिमन्यु जीवित होता तो वो डट के लड़ते कर्ण से तुम तो डर गए हो कर्ण से इसलिए तुम यहाँ पर भाग के आ गए हो तुम कुछ लड़ना वड़ना चाहते नहीं हो कर्ण से ये जो तुम्हारा गांडीव है ना वो उससे अच्छा तुम कृष्ण को दे दो कृष्ण को कहो जाके लड़े तो ये सब कह देते हैं क्योंकि शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है मानसिक संताप है और जब अर्जुन ये बात सुनते हैं तो क्षत्रिय खून है वो भी गुस्से में आ जाते हैं तो वो ऐसे अपनी तलवार निकालते हैं और भागते हैं युधिष्ठिर की तरफ कृष्ण ये सब देख रहे हैं तो कृष्ण उनके सामने जाते हैं और रोक देते हैं अर्जुन को और पूछते हैं क्या कर रहे हो ये क्या चल रहा है क्या इस तलवार से तुम्हारा क्या करने का प्लान है तो अर्जुन कहते हैं कि मैं करना तो नहीं चाहता पर मैंने एक प्रतिज्ञा की थी और मेरी और मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि जो भी मुझे कहेगा कि ये तुम्हारा जो गांधीव है वो किसी और को दे दो उसका मैं सिर छेद कर दूंगा अब मेरे भाई ने कहा है मैं करना तो नहीं चाहता पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सत्य तो महत्वपूर्ण है हम अरे मूर्ख तुझे लगता है, तुमको धर्म का है पर तुम धर्म को समझते नहीं हो क्योंकि धर्म को समझता वो ऐसा काम ही नहीं वो जो तुम कह रहे हो ऐसे काम ही नहीं करते वो कहते हैं, पहले एक बालक की तरह तुमने ऐसी रैंडम प्रतिज्ञा कर ली वो रैंडम शब्द नहीं यूज करते पर वो बेसिकली कहते हैं कि ऐसे मन में आया ऐसी प्रतिज्ञा तुमने कर ली अब वो ऐसी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए तुम तुम्हारे भाई को मारने जा रहे हो वो बोले कि हिंसा कब की जाती है जब तुम युद्ध में किसके सामने हो जब तुम किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो तुम्हारा शत्रु हो तब तुम हिंसा करते हो यहाँ तो तुम्हारा भाई है ना उसने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना तुम्हारा शत्रु है तो बस एक प्रतिज्ञा तुमने मन में आकर कर ली तो अब तुम मारने चले हो तो अब अर्जुन को समझ तो आ रहा है पर उसे ये नहीं समझ आ रहा कि वो करे तो क्या करे इस समय फिर कृष्ण उसे कथा बताते हैं और ये कथा धर्म को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है वो कहते हैं एक ऋषि एक थे और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जो भी बोलूंगा मैं मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा सत्य के सिवाय कुछ कभी नहीं बोलूंगा बूढ़े हो गए थे ऋषि और एक समय अपने आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे थे और वहां पर कुछ गांव वाले आए भागते भागते डरे हुए से थे और वो कहते हैं कि स्वामी जी हमारे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं तो हम वहां जाके छुप रहे हैं अगर वो आपके पास आए तो आप उनको कोई और रास्ता बता देना तो और स्वामी जी कुछ कहे उसके पहले ये लोग तो भाग गए छुपने के लिए अब पीछे से लुटेरे भी आए और वो भी उस स्वामी जी के पास रुके और पूछे कि आपने देखा गांव वालों को कहीं भागते हुए अब स्वामी जी क्या करें सत्य बोले या ना बोले क्योंकि सत्य तो बोलना था सत्य परमो धर्म और उन्होंने तो व्रत लिया हुआ था कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा अब क्या करे ये उनके सामने प्रश्न आ जाता पर वो कहते नहीं नहीं सत्य सत्य ही धर्म है हमको तो बताया गया है सत्य ही धर्म है तो मैं भी सत्य ही बोलूंगा वैसे मेरा व्रत भी है मेरी प्रतिज्ञा भी है सत्य ही बोलना है तो वो बता देते हैं कि वहां है गांव वाले वहां है वहां छुपे हैं तो डाकू जाते हैं और उनको मार देते हैं फिर कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो जाता है और वो पहुंच जाते हैं यमराज के पास और यमराज कहते हैं इनको नर्क में भेज दो तो ऋषि गुस्सा हो जाते हैं वो कहते हैं अरे ये क्या मैं तो हमेशा धर्म संगत जीवन जिया है मैंने और अब इस समय इतने वर्षों की मैंने प्रतिज्ञा निभाई है और आप मुझे नर्क भेज रहे हो ये कैसा धर्म है आपका तब यमराज कहते हैं और वही बात कृष्ण बताते हैं कि सत्य क्या है यत भूत हितम तत् सत्यम जिसमें सभी का भला हो स्पेशली ऐसे जो निर्दोष हो उनका भला हो वही सत्य है केवल सत्य है इसलिए सत्य पकड़ के रखना तो केवल हट है तुम जो कर रहे हो वो हत है वो सत्य नहीं है और तभी वो जो मैंने कहा था ना धारणा तो सारी वो सारे एक्शंस वो सारे कार्य जो कोई भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद रूप सहाय रूप होते हैं वो ही धार्मिक होते हैं अगर उसमें वो वो उस व्यवस्था को तोड़ने का काम करे तो वो धार्मिक नहीं हो सकते और इसीलिए जो धर्म के दस लक्षण कहता है है कि सत्य कहना अहिंसा वो सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, exactly. दशकम दशकम धर्म धर्म महत्वपूर है क्यों क्योंकि अगर लोग सत्य ना बोले अगर लोग हिंसा करने लगे एक दूसरे के साथ तो समाज व्यवस्था टूट जाएगी ना परंतु उस समाज में अगर ऐसे लोग आ जाते हैं जैसे कोई टेररिस्ट है आतंकवादी है और वो लोगों की हत्या कर दे तो उसको दंड नहीं देना आजकल आप देखिए निकल पड़ते हैं कि अरे नहीं नहीं टेररिस्ट को कैसे आपने दंड दे दिया उसके सामने तो नॉन वायलेंस अहिंसा ऐसी बात करते हैं पर उसको दंड नहीं देकर कोई हम धर्म का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर जब टेररिस्ट को दंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा और लोगों को वो मारेगा तो ये तो समाज पर हिंसा हो गई ना अहिंसा नहीं है इसलिए उस आतंकवादी को दंड देना भी धर्म ही है और अहिंसा ही कहलाएगा तो हिंसा अहिंसा सत्य असत्य इस सब को समझने के लिए धर्म को समझना आवश्यक है और इसलिए मैंने वो शुरुआत भी धर्म से की थी यत भूत हितम सत्यम बिल्कुल सही है ये तो हमारे गांधी जी को समझ में नहीं आया <laughs> वो जो तो है उनका जो सत्य था वो बिल्कुल ये अलग था उसमें जो है वो लाखों लोग मारे गए उनके सत्य के चक्कर में पर आज भी कहाँ समझ आ रहा है ना आप देखिए पूरा जो एक्टिविज्म चलता है वो गलत धारणाओं पर ही चल रहा है वो है हिंसा की बात करते हैं अरे उसको कैसे फांसी दे दी वो तो हेडमास्टर का बेटा था ऐसी ऐसी बातें करते हैं दो तो। तो आज भी है वैसे लोग वो तो याकूब मेमन हाँ। के लिए भी खड़े हो जाते हैं <laughs> और हमारे कोर्ट्स खुल भी जाते हैं उनके लिए सोचो <laughs> हां लेकिन कोर्ट्स आजकल थोड़ा सा चेंज हो गए आजकल तो हां आजकल कोर्ट से लोग जो हैं ये एक्टिविस्ट बड़े निराश हैं को हाँ। तो लग रहा है कि हाँ। मामला जो है वो गड़बड़ हो रहा है नहीं तो पहले जो है वो क्या वो गांधीयन विद गन्स गांधीयन विद गन्स हाँ गांधीयन विद गन्स वो गांधीयन विद गन्स का जो कॉन्सेप्ट आया था तो यासीन मलिक जैसे जो थे वो भी गांधीयन विद गन्स हो गए थे तो जी ये तो बिल्कुल सही है आपका जो वैसे भी आप देखें गीता में अठारहवें अध्याय का सत्रवा श्लोक है तो हमने पहले भी चर्चा की उसके बारे में यश न अहंकृत हो भाव हो बुद्धि यश न लिप्य थे तत्वाशिमान लोकान न हंति न निबद्ध थे इसका अनुवाद हमारे गांधी जी ने बिल्कुल अलग किया आप जितने भी भाष्य देख लें आप शंकर भाष्य देख लें या

सर्वभूत तो हितम सत्यम वाली बात नहीं करते <laughs> वो उनके हित में जो है वो सत्य है जो उन, उनका स्वयं का जो उनकी जो ईगो है क्योंकि इसमें जो अहंकार का भाव है जैसे इस श्लोक में जो है भाई कि अहंकार का भाव ना हो लेकिन यदि आप अपने सत्य के पे इतना जैसे ये जिनकी ऋषि की बात की तो वो अपने सत्य पर करेक्ट मैं सत्य बोलूं भले ही उससे दूसरों का नुकसान हो जाए तो अहंकार भाव अहंकार भाव है ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली और अहंकार भाव आते ही तो सत्य तो रहा नहीं तो गांधी जी की अहिंसा जो थी वो पूरी तरह से अहंकार भाव से प्रेरित थी संजय जी ये जो मैं काम गीता की बात कर रही थी ये उसी पे कृष्ण कहते हैं क्योंकि युद्ध हो चुका विध्वंस हो चुका ठीक है उसके बाद शांति पर्व हो गया और फिर भी युद्धेश्वर को वापस वो झटका लग रहा है कि अरे अरे मेरे कारण ऐसा हो गया मेरे कारण मेरे परिवार का विनाश हो गया वगैरह वगैरह मुझे तो नहीं चाहिए ये सिंहासन वगैरह तो उस समय तब कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुम्हारे मन में ग्लानी है ना तुमको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है तो ये वैसा नहीं है तुम काम ग्रसित हो ये अहंकार है कि सबसे पहला तो अहंकार कि तुमको लग रहा है कि तुम सब तुम्हारे हाथ में था युद्ध करना नहीं करना विध्वंस करना नहीं करना एक तो तुमको ये लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में था वो भी सत्य नहीं है और दूसरा ये जो बार बार ग्लानी का भाव तुमको हो रहा है वो भी क्यों है क्योंकि तुम भूल रहे हो कि परिस्थिति क्या थी किस परिस्थिति में युद्ध हुआ तुम केवल अटैचमेंट जो तुम्हारे लोग हैं तुमको जो भी लग रहा है उस अटैचमेंट के कारण सही से सोच नहीं पा रहे हो ये कोई अच्छा गुण नहीं है कि तुमको बार बार ग्लानी हो रही है और वो कहते हैं ये सब वही वो काम क्रोध लोभ मोह मद मातर इसके कारण होता है अहंकार काम कुं, हमको लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है वो कहते हैं कि ये काम से ना बच के रहना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि काम जितना शक्तिशाली कुछ और नहीं है वो कहते हैं जब हम काम को कंट्रोल करने का प्रयत्न करें और आप देखिए जितने भी बड़े बड़े असुर हो गए या अभी जिनकी जिनका उदाहरण आप देख रहे थे बात तो वही करते हैं ना कि कंट्रोलिंग माय डिजायर्स कंट्रोलिंग ये कंट्रोलिंग वायलेंस no, ये सब बात करते हैं पर वो कंट्रोल करने के एफर्ट में में प्रयत्न में, उनको थोड़ा सा जब आगे बढ़ने लगते हैं तो काम ग्रसित फिर से हो जाते हैं और वो अहंकार बढ़ने लगता है आप जितने भी असुरों की बात देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने परिश्रम नहीं किया इतनी तपस्या करी है ना तपस्या करके सिद्धि हासिल करी पर जब वो सिद्धि हासिल करी तो फिर एक बार अहंकार आ गया और एक बार वो अहंकार आ जाए तो फिर आपकी बुद्धि ग्रसित हो जाती है फिर आप सही से सोच नहीं पाते तो कृष्ण कहते हैं ये जो काम है ना काम क्रोध लोग मद, मद इससे बच के रहो क्योंकि काम है ही वैसा जब उसे कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हो तो और फिर वो दिखाई देता है तो और वो कहते हैं कि काम स्वयं कहता है कि मेरा विध्वंस करना कठिन है आप जितना रोकोगे उतना मैं वापस आऊंगा इसलिए

इसी के विषय में गीता में भी बोला है ना भगवान ने ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शूपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ये तो मैं सबको कहती हूँ कि ये जो श्लोक है ना वो हमारे घर के हमारे दीवारों पर लगा देना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में कि रोज हम देखें रोज हम देखें कि हम किस तरीके से काम क्रोध लोगों में पढ़ते रहते हैं बिल्कुल वही एक तो क्या है कि हमारे यहाँ तो चूंकि अभाव हो गया है एक प्रकार से जो शिक्षा है हमारी जो आ, हमारी शिक्षा जो है यानी जो भारत की जो शिक्षा है उसका चूंकि अभाव हो गया है तो काम का अर्थ भी लोग नहीं जानते काम एक ही डिजायर का नहीं करके वो काम को जो है वो वो सेक्स से हैं सेक्स से देते। देते। संकुचित अर्थ हो गए सारे शब्दों के वो भी एक समस्या है ये जो हम अभी बात कर रहे थे <clears throat> यत भूत तत्सत्यम तो इसी से फिर आगे डेवलप होता है राजधर्म जी क्योंकि राजा का जो धर्म है वो सामान्य व्यक्ति के धर्म से थोड़ा सा अलग होगा सापेक्ष धर्म इसी को कहते हैं संभवतः तो इस पर जो आपने लिखा है वो शांति पर्व से लिखा है तो इसके बारे में कुछ बताए तो एक तो आप जो कह रहे हैं कि राजा का धर्म अलग होता है तो उसके विषय में एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर। वो कहते हैं कि राजा जो है वो तो दिखता सबके जैसा है वही दो हाथ दो पैर एक मुंह सब है तो फिर उसे इतना ज्यादा क्यों सम्मान दिया जाता है ऐसे क्या विशेषता है उसमें और फिर वो बताते हैं भीष्म कि राजा की क्या क्या कर्तव्य है और राजा का होना क्यों आवश्यक है तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर राजा ना हो तो क्या होगा समाज में मात से न्याय अराजकता फैल जाएगी मात न्याय तो हम ये कहता हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी।, जाएगी अगर सब अपने अपने धर्म करते हो शांति से रहते हो तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर ऐसा होता नहीं है तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करो तो ऐसी कोई अथॉरिटी हो जिसमें लोगों का विश्वास हो और वो न्याय युक्त शासन करे ये राजा को करना है अब राजा को ये करने के लिए कैसा व्यवहार करना है क्योंकि एक तो है कि राजा की क्या क्या ड्यूटीज है ठीक है वो में आता है कि उसका कर्तव्य क्या है उसे क्या काम करना है पर पूछते हैं कि राजा की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और भीष्म कहते हैं आत्मजय सबसे पहले जो राजा है जो लीडर है उसे सबसे पहली एक्सपेक्टेशन यही है कि वो अपनी सारी वृत्तियों पर काम क्रोध लोभ मोहम्मद मात्सर्य पर सारी इंद्रियों पर विजय हासिल करे क्योंकि जो स्वयं पे ही नहीं विजय हासिल कर सका वो शत्रुओं पे तो क्या ही करेगा और जब स्वयं पे वो आत्मजय कर पाएगा तभी ही वो सही से दंड के निर्णय ले पाएगा और दंड कैसा होना चाहिए तो सुप्रणीत न दंडे न वो कहते हैं कि जैसा यथार्थ जैसा होना चाहिए वैसा दंड और कैसे समान आत्मना कि किसी के सम आत्मना कि किसी के बीच अपने बच्चे हो किसी और के बच्चे हो सारे लोगों को वो एक समान प्रेम कर सके सारे लोगों के साथ एक साथ न्याय एक एक जैसा न्याय कर सके देश काल परिस्थिति ये सब देखते हुए ये सब करने के लिए सबसे पहले तो उसपे स्वयं की वृत्तियों पे कंट्रोल होना चाहिए तो ये राजा से अपेक्षित है बाकी किसी को तो चलो छूट मिल जाएगी बट राजा ये नहीं कर सकता और क्योंकि राजा से ऐसी अपेक्षा है कि वो इस प्रकार अपना जीवन जिए इस प्रकार व्यवहार करे इसीलिए उसको सम्मान भी मिलता है अब यही बात हमने संजय जी जब रामायण पर बात करी थी तब हमने देखा था कि राजधर्म का जो पहला पाठ है वो श्री राम को विश्वामित्र जी ने सिखाया था और उसमें वो कहते हैं कि प्रजा के रक्षण के लिए क्योंकि वही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है एक तो रंजिता ये ना कि लोगों के वेलफेयर लोगों की डिलाइट, लोगों की खुशी हो लोक रंजन लोक रंजन ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसके लिए राजा को जो भी करना पड़े फिर उसमें स्वयं का सुख दुख भी नहीं देखना है स्वयं का हित अहित ये भी नहीं देखना है स्वयं को, को कार्य है वो करना है ये करना अत्यंत कठिन है और यही राजधर्म है अगर अगर हम ब्रीफ में कहें तो यही राजधर्म है राजा को प्रजा वत्सल होना चाहिए प्रजा के प्रति एक प्रकार से वात्सल्य का भाव हो <laughs> अरे हाँ तो इसमें कहते कहते हैं हैं कि वो 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 भाव जो है वो किस प्रकार का हो तो गर्भिणी जैसा गर्भी गर्भिणी समधारिणा कि एक प्रेग्नेंट औरत जो है एक प्रसूता स्त्री जो है वो किस प्रकार से अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखती है वैसा राजा का आ, वैसा व्यवहार प्रजा के प्रति रा, प्रति राजा का होना चाहिए इसका अर्थ क्या तो वो, जो आपने वात्सल्य की भाव, भाव की भावना कही कि जो होने वाली माता है उसे अपने घर पर इतना वात्सल्य है इतना प्रेम है कि अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं है फिर भी जो माता है वो बच्चे के हित के लिए सब कुछ छोड़ देती है वो शायद कॉफी पीती हो चाय पीती हो तो वो भी नहीं लेगी कि नहीं नहीं ना नौ महीने मेरे बच्चे को कुछ ना हो उसे कुछ अच्छा लगता हो पर डॉक्टर कहे नहीं तुम्हारे बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है तो वो वो भी छोड़ देती है तो ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए जैसे एक प्रसुता एक गर्भिणी नी, गर्भिणी का होता है अपने बच्चे के प्रति जी और इसमें आपने ये तो बता दिया और इसमें ड्यूटीज ड्यूटीजन भी दी हुई हैं जी वो क्या है तो ये भी पूछते हैं क्योंकि अभी इसका संदर्भ इसलिए भी मैं ले रहा हूँ कि पंच प्रण की बात की थी जी। इस वर्ष नहीं जो पिछले वर्ष पिछले की जो स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस की जो स्पीच थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पांचवा नागरिकों का कर्तव्य था और हमारा जो पूरा का पूरा जो संविधान है या जो पूरी मॉडर्न गवर्नेंस है पूरे विश्व की वो अधिकार आधारित है वहाँ धर्म की बात नहीं आती धर्म का मतलब कर्तव्य से हो जाता है तो इसमें जो ये नागरिकों के जो धर्म है वो क्या है तो नागरिकों के लिए वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर सुखी होना चाहिए तो उसे ऐसे जगह वास करना चाहिए जहां का राजा अच्छा हो उससे वो कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्तव्य नागरिकों का ये है कि वो सही राजा का चयन करे एक बार सही राजा का चयन कर लिया फिर उस राजा को मान सम्मान दे और जिस प्रकार जो भी पॉलिसीज जो भी वो नियम नीति लागू करते हैं उसका मान सम्मान करते हुए वो अपना जीवन जिए अच्छा अब इसमें वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो राजा तो आपने चयन कर लिया बट वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है अच्छा है तो आप उसके नीति नियम का पालन करो और जब भी आपदा की परिस्थिति हो कि कोई और राजा अगर आक्रमण कर रहा है या कोई चलो नेचुरल कैलामिटी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो आप राजा के साथ हमेशा खड़े रहो जो भी करना पड़े आपको राजा के लिए राज्य के लिए आप करते रहो ये तो मेन आपका मुख्य कर्तव्य है ही है पर साथ में वो कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आए कि आपके राज्य में अराजकता फैल गई है क्यों क्योंकि राजा भ्रष्ट है राजा अपना दायित्व नहीं निभा रहा है और उस स्थिति में अगर कोई और राजा इस राजा पर आक्रमण करता है और आप जानते हैं कि वो राजा जो है वो न्याय संगत शासन करता है और वो धर्मनिष्ठ है तो आपको उस राजा के साथ खड़े रहना चाहिए ये भी वो कहते हैं कि अगर राजा आपका भ्रष्ट हो गया हो तो उसको निकाल कर जो अच्छा है उसको लाने के का भी आपका ही कर्तव्य है क्योंकि तो फिर आप आप करोगे कुछ नहीं और चाहोगे कि अपने आप सिचुएशन सॉल्व हो जाए तो ये होगा नहीं अब उसी को आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो वही है ना कि जो वोट नहीं करते वो कहेंगे कि नहीं नहीं मतलब सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा वही है कि हम वोट करें वही वो उसी से हम कह सकते हैं कि अच्छा अब हमारा कर हम कर्तव्य हमने निभाया तो कहीं कही यही विचार है, उसमें भी। जी। ये तो विचार है इसमें और ये तेरा शत्रु की इसमें बात आती है हमने रावण के परिप्रेक्ष्य में दशहारी सुने हैं और वैसे शडारी होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो ये इसमें तेरा कैसे हो गए ये मैं आपको बताती हूँ ये मैं आपको पढ़ के मुझे सुनाना पड़ेगा जी हाँ ये पेज चौबीस पे क्रोध काम मोह शोक इसमें परासुता मद लोभ मात्सर्य असूया कुत्सा ईर्ष्या और कृपण अब ये कहीं ना कहीं थोड़े से जुड़े हुए भी है पर इसका अर्थ क्या है तो वो कहते हैं कि क्रोध काम ये तो हम समझ गए मोह किसी विषय का ज्ञान नहीं होना समझ नहीं होना और मानना कि यही वो सही बात है तो ये है मोह शोक आप किसी आपने कुछ खोया है वो शोक की बात है पर उस शोक की परिस्थिति में भी अगर हम अपने आप को ना संभाले तो हमारे जो निर्णय होंगे वो गलत ही होगी तो इसलिए उससे भी बच के रहना है इसलिए कृष्ण जो जब गीता में भी बात करते हैं तो वो सम सुख दुख दोनों की बात करते हैं कि सुख में आपको बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हो जाना है पर दुख में भी अपने आप को संभालना है बहुत ज्यादा आप शोक ग्रसित हो जाएंगे तो वही हालत होगी जो युधिष्ठिर की हुई है क्यों वो, अपना अर्जुन की पहले अध्याय की हुई है कि आपका स्वधर्म ही आप भूल जाते हो कि क्या करना चाहिए वही आप भूल जाते हो इसलिए शोक से भी ध्यान रखना है फिर विधि विधित्सा का अर्थ ये होता है कि कुछ कहा है कि ऐसा करना है पर आपको उसका उल्टा ही करना है वो कि आपको रूल है आपको वो रूल तोड़ना ही तोड़ना है वो पता है आजकल वो रेबल विदाउट अ कॉज की बात है ये वैसे हो जाता है कि अगर रूल है तो मुझे तोड़ना है वो कहीं ना कहीं अगेन वृत्ति की बात आ जाती है तो वो विदित विदित सा सा का है है क्योंकि आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो वो गांधी एंड विद गन्स की जो आपने बात कही थी है ना उनको तो लग रहा है उनका कॉज सही है क्या सही कॉज है कि सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहा है सही गलत फिर तो रह जाता है और सिर्फ आप रबल बन के रह जाते हो तो वो विदित सा वाली आपकी क्वालिटी है फिर परासुता इज नॉट बींग मद प्राइड लोभ मात्सर्य असूया ये तो मतलब जानते ही है कुत्सा कुत्सा इज किसी के बारे में बहुत बुरा भला हमेशा बोलना गालियां देना बुरा भला बोलना पीछे से किसी के बैक बाइटिंग करते रहना ये भी है ना ये वृत्ति जैसा हो जाता है आपके सारे फिर आपने किसी के पीछे से कुछ कहा है तो फिर आप उसी को जस्टिफाई करने ली फिर वो डर आ जाता है ना कि अरे किसी को पता चल जाएगा फिर वो गिल्ट आ जाता है तो बैक बाइटिंग में आप पड़े हो पूरे टाइम वो जो नहीं कहते हैं कि घर पे जिसको कुछ काम ना हो वो फिर इसकी तो उसकी कुथली करते होते हैं हम गुजराती में कुथली बोलते हैं तो वो कुत्सा वाला भाव है इसमें एक एक बहुत कि कोई भी आप कहानी हमारी कथा सुनेंगे तो कहीं ना कहीं यही सारे जो शत्रु आप षड रिपू हम जो कहते हैं वैसे ये तेरा का उन्होंने और, और उसे एक्सपैंड करके कहा है पर कहीं ना कहीं दीज थिंग्स ओनली प्ले आउट और मैं जब ये लिख रही थी तो मुझे एक कथा याद आई महाभारत की ही जो आदि पर्व में आती है पर उसी में यही है कि किस प्रकार लोगों का जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है इन गुणों को ना इन अवगुणों को ना समझकर जब कोई उस, उसके उनके उनमें बह जाता है और उनमें बह जाने वाले केवल मूड होते हैं ऐसे नहीं है अच्छे लोग भी कभी कभी उनके वश में आ जाते हैं तो एक कथा आती है आ, दो मुनि है और दोनों ही मित्र हैं एक रैभ्य मुनि है और एक ऋषि भारद्वाज है ऋषि भारद्वाज का एक पुत्र है कृत उसका नाम है और रैभ्य मुनि के भी दो पुत्र हैं अब दोनों मित्र हैं पर रैभ्य जो है वो वेद पाठ जानते हैं बहुत सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं और जो भारद्वाज है वो अपना अनुष्ठान तप तपस्या ये सब करते हैं रिचुअल्स करते हैं पर उन्होंने शास्त्र ज्ञान इतना नहीं है तो ऑब्वियसली रेभे मुनि को सब बहुत ज्यादा भाव देते हैं सम्मान देते हैं और भारद्वाज जी को इतना कोई पूछता नहीं है तो उनका जो बेटा है अवकृत है उसे लगता है अरे ये क्या मेरे पिता को सम्मान नहीं मिलता क्यों सम्मान नहीं मिलता क्योंकि उनके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है तो मुझे शास्त्र ज्ञान चाहिए तो अब वो ईर्षा है कि उनको मिलता है मुझे नहीं मिलता है पर तो अब शास्त्र ज्ञान के लिए मेहनत नहीं करनी है तो वो तपस्या करने लगते हैं कि आ, मुझे शास्त्र ज्ञान चाहिए तो ठीक है वो जो तपस्या उन्होंने की है फिर भी वो इंद्रिय निग्रह करके करना होता है

तो 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 फिर तब तो इंद्र कुछ नहीं कहते और फिर एक वो दूसरे दिन सुबह वो यावक तो देखता है कि एक गंगा वो नदी बह रही है और एक बूढ़े कोई तो बहुत बूढ़े हैं वो उसमें मट्टी मिट्टी फेंक रहे हैं तो ये उनके पास जाके पूछते हैं कि आप क्यों मिट्टी फेंक रहे हो ये तो बेवकूफ़ सा काम है तो एक तो पहले पूछते क्यों फेंक रहे हो तो वो जो वृद्ध मनुष्य हैं वो कहते हैं मैं यहाँ पे सेतु बांधना चाहता हूँ तो ये यवकृत कहते हैं तो है, कैसे कैसे है कि हाँ कि जो तपस्या करके ज्ञान अर्जित करने की बात है वो ऐसी है ऐसे नहीं करना चाहिए पर नहीं उन्होंने तो ठान लिया कि मैंने तपस्या की है अगर आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे शॉर्टकट में ज्ञान मिल जाए तभी भी उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं इंद्र कि इस प्रकार जो शॉर्टकट से ज्ञान मिल जाता है उसका कैसा दुरुपयोग होता है और किस प्रकार वो लोगों को नष्ट कर देता है पर नहीं अब वो ठान ली है एकदम संकल्प हो गया है कि चाहिए मतलब चाहिए हट वो हट वाली बात है तो इंद्र कहते हैं चलो ठीक है दे देता हूं पर तुम ध्यान रखना जो ऐसे हठ से जो जो अर्जित किया जाता है उससे ध्यान रखना कहीं की तुम्हें कहीं गलत काम तु, तुमसे ना कराए तो कहते हैं नहीं नहीं आप चिंता मत करो और वो उनको वेदों का ज्ञान मिल जाता है अब वेदों का ज्ञान मिल जाता है तो फिर लोगों से सम्मान मिलने लगता है लोग बुलाते हैं जैसे रैभि मुनि को बुलाते हैं वैसे इनको बुलाने लगते हैं सब होता है अब उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है क्योंकि इतना मान सम्मान मिल रहा है और मेहनत किए बिना का मान सम्मान है तो एक दिन वो रह मुनि के आश्रम से जा रहे हैं तो रह मुनि की पुत्रवधु है बहुत सुंदर पुत्रवधु है वो अपने कुछ काम में कर रही है तो ये यवकृति वहाँ जाते हैं और ये उनका आवभगत करती है पर ये एकदम काम आ सकते हो जाते हैं रैफ्य मुनि की पुत्र वधु में और कहते हैं अब तुम्हें मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा तो वो जो स्त्री है वो रोने लगती है उसे समझ नहीं आता है क्या करो बिकॉज उसे श्राप से भी डर लग रहा है कि ये मुझे श्राप दे देंगे कहीं तो मना भी कैसे करूं पर जो वो सेवा तो करना नहीं चाहती जिस प्रकार वो चाह चाह चा, चाहते हैं या वकृता तो, तो वो उनको समय थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाए और कोई और आ जाए तो उनको एक कोने में ले जाते हैं उतनी देर में रहभ मुनि आ जाते हैं और फिर वो पुत्रवधु बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे गलत चेष्टा कर रहे थे अच्छा अब रैभि मुनि जो वैसे बहुत शांत है और अच्छे हैं ये प्रसंग को देख के अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो यवकृति को श्राप देते हैं और उसे भस्म कर देते हैं कि तुमने मेरे पुत्र पुत्रवधु के साथ ऐसे किया आ जाओ तुम मर जाओ तो यवकृत तो मर जाते हैं अच्छा अब जब भारद्वाज ऋषि जो भी ऋषि हैं उनको जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो वो अत्यंत शोक में आ जाते हैं और वो शोक सहन न करने के कर पाने के कारण वो अपना जीवन त्यागना त्यागने का त्यागने जाते हैं पर जीवन त्यागने से पहले कहते हैं कि रैभ्य तुम्हारे तुम्हारे कारण मेरे पुत्र की ऐसी हालत हुई है तुम चाहते तो केवल उसे डांट सकते थे उसने कुछ किया तो नहीं था उसने भले चेष्टा की हो तो तुम केवल डांट सकते थे पर तुमने डांटा नहीं तुमने उसको मृत्युदंड दे दिया तो अब मैं भी मर जाऊंगा क्योंकि मैं इस शोक को सहन नहीं कर पा रहा हूं पर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि तुम्हारे पुत्र के कारण ही तुम्हारी भी मृत्यु हो ऐसे होता है फिर और उसमें आगे आता है कि फिर उसके पुत्र के कारण कुछ होता है बट उनको दो पुत्र है जिसमें से एक एकदम इंद्रिय संयमी है और वो फिर अपने पिता को अपने भाई को और फिर जाके भरद्वाज के का जो कुटुंब है उनको उनका भी उद्धार करते हैं पर इसमें ये सारे आते हैं कि ईर्षा के कारण ईर्षा के कारण क्रोध के कारण हठ के कारण अहंकार के कारण अच्छे ऋषि मुनि भी इसके वश में आ जाते हैं अगर हम ध्यान ना रखें तो तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो अगर ये तेरा कहीं ना कहीं से आ गए तो समझिए कि पतन निश्चित है जी अति सुंदर <laughs> फिर इसमें जो है वो आपने प्रारंभ में इंट्रोडक्शन में भी जो चारों पुरुषार्थ हैं उनके बीच में संतुलन बनाने की आपने बात कही है इसमें शांति पर्व में भीष्म जी का क्या कहना है इसमें भीष्म जी जो है ना वो मोक्ष पे मोक्ष धर्म की अलग से बात करते हैं पर वो धर्म अर्थ काम की बात करते हैं और वो कहते हैं कि तीनों ही एक गृहस्थ के लिए और एक राजा के लिए आवश्यक है तो वैसे भी चाणक्य कहते हैं ना धर्म से मूलम अर्थम धर्म से मूलम उसके बिना तो होगा अर्थ के बिना कैसे आप धर्म भी कर पाओगे इसलिए अर्थ तो अत्यावश्यक है इनफैक्ट जो राजा का जो आ, राजा के जो कर्तव्य है उसमें अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है कि आप जो एक पूरा टॉपिक है कि आप राजकोष की वृद्धि कैसे करें और उसके लिए किस प्रकार से आप लोगों को काम करने वाले सारे जो प्रोफेशंस है आजीविका के लिए कैसे उनको ऐसे कामों में लगाएं जिससे अर्थ का उत्पादन हो किस प्रकार उनकी आपको सहायता करनी चाहिए तो ये पूरा एक भाग अर्थ का है धर्म तो है ही धर्म में आप कैसे अपने जो समाज है उसको धर्मनिष्ठ कर्तव्य निष्ठ कर्तव्यपरायण कैसे रखते हो उसमें दंड नीति पूरी आ जाती है कि दंड किस प्रकार आप दे जब काम की बात आती है तो ये भी वैसे तो भीष्म कहते हैं कि जो भी आपके व्यसन है ये जो हमने तेरा वस, व्यसनों की बात करी ना कि ये जो व्यसन है इनको सर्वथा त्याग त्याग देना चाहिए अच्छा अब ये व्यसन ये तो गुण है पर व्यसन में आता है कि अ स्त्री का साथ मदिरा पीना आ, शिकार करने जाना ये सब उसमें आता है तो वो कहते हैं वैसे तो ये व्यसन जो है जिससे आपको एडिक्शन हो जाए वो आपको त्यागना चाहिए परंतु ऐसा नहीं है कि वो कार्य ही आप ना करो वो कार्य तो आप कर सकते हो पर उनके उनमें संग त्यागना चाहिए कि राजा है तो वो शिकार करने भी जाएंगे दूत भी खेलेंगे स्त्री से हवास तो चाहिए ही ना नहीं तो बच्चे कैसे होंगे पर इन सब को क्योंकि ये सब आपके लिए आवश्यक है आपके वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी आवश्यक है ऐसा तो नहीं है कि आपको सुख नहीं मिलना चाहिए सुख सुविधा तो मिलनी चाहिए अपना भी ध्यान आपको रखना चाहिए परंतु इतना नहीं कि उनका एडिक्शन हो जाए उनमें से संग उनमें संग नहीं होना चाहिए उसको जैसे एक जीवन का कार्य है उस प्रकार से भोगना चाहिए तो ये वो काम की भी बात उसमें कर रहे हैं। तो रहे हैं हैं तो सब वो कह कि सबसे आप ध्यान रखो इनसे किसी से ग्रस्त ना हो जाओ पर ऐसा नहीं है कि आप अपना ध्यान ही ना रखो ऐसा नहीं है कि सुख सुविधा नहीं होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए तो भी आप आगे जो कार्य है वो सही से कर पाओगे और एक समृद्धि की तो बात है ही कि वो तो होनी चाहिए जी और एक आपने इसमें पूरा का पूरा एक पार्ट लिखा है नारद मुनिज एडवाइस एडमिनिस्ट्रेशन ये जो भाग है नारद मुनि वाला आ, ये अब बोरी के एडिशन में नहीं आता है भंडार में नहीं आता है, ये गीता प्रेस में है पर मुझे ये भाग अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और आ, ये इसका जो स्टाइल है कि नारद मुनि जब इंद्रप्रस्थ बन गया है और इंद्रप्रस्थ की सभा जो महल है युधिष्ठिर का वो बहुत सुंदर है तो अलग अलग ऋषि अलग अलग लोग आते हैं वो देखने तो तब नारद मुनि आते हैं और और नारद आते हैं और प्रश्नों के फॉर्म में वो युधिष्ठिर को शासन की सलाह देते हैं तो आके पूछेंगे कि तुम अपने लोगों का ध्यान तो रख रहे हो ना टैक्स सही से ले रहे हो कि नहीं क्या तुम अपने लोगों के लिए उपलब्ध हो अगर वो चाहे तुमसे बात करना तो तुम उनके लिए उपलब्ध हो या नहीं हो क्या तुम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं तालाब है उनका निर्माण करवा रहे हो कि नहीं क्या तुम सही से दंड देते हो कि दंड जिनको देना चाहिए उन तो, उनको देते हो ना निर्दोषों को तो निर्दोषों को तो तुम्हारे यहाँ दंड नहीं मिलता फिर वो ये इस प्रकार से कहते हैं फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम अपने जो जो डिसिप्लिन की हम बात करते हैं कि तुम अपना जीवन तो डिसिप्लिन से जीते हो कि नहीं क्या तुम समय से उठ जाते हो क्या तुम अधिक सोते तो नहीं हो तो इस प्रकार प्रश्न 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 में पूरा उन्होंने एक राजा के क्या कर्तव्य है एक राजा को स्वयं का जीवन कैसे जीना चाहिए और राज शासन कैसे करना चाहिए तो इस पर एक सुंदर सा छोटा सा संवाद आता है नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच का तो मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो वो भी कैप्चर करते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उससे भी मिलते हैं और इसकी जो स्टाइल है वो आ, रामायण में जो अयोध्या कांड का शत, शत आ, जो सर्ग है कश्चित सर्ग भी कहा जाता है जिसमें श्री राम जब भरत आते हैं उनके पास चित्रकूट में कि भाई आप वापस आ जाइए और वो समाचार देने की दशरथ नहीं है तो तब शुरुआत में तो श्रीराम को नहीं पता कि दशरथ जी का मृत्यु हो गया है तो भरत को क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया है कि अब तो भरत राजा बन चुका है तो वो इसी इसी स्टाइल में कि प्रश्न करते कश्चित कि प्रश्न पूछते पूछते कि आप सब आ, अच्छे से तो रह रहे हैं आपके जो कृषि और जो व्यापारी वर्ग हैं उनका आप ध्यान तो रख रहे हो उनको परेशान तो नहीं कर रहे मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लाद कर उनको आप परेशान तो नहीं कर रहे दंड जो देना है वो यथार्थ दंड है ना जी मतलब अगर किसी ने छोटा सा अपराध किया हो उसके लिए आप बहुत ज्यादा दंड दे दो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और जो रंगे हाथों पकड़ा गया है अपराध करते हुए उसको छोड़ दिया ऐसा भी नहीं होना चाहिए साथ ही वो आ, कहते हैं और वो इसमें भी आता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मेजॉरिटी कह रही है कि कोई दंडा को, किसी ने अपराध किया है उसको आप क्योंकि लोग कह रहे हैं उस प्रेशर में आके दंड दे दो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जब भी आप दंड देते हो तो जो आपका प्रोसेस है वो सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करने के पश्चात जब कंफर्म हो जाए प्रूव हो जाए कि वो अपराधी है तभी ही आपको दंड देना है और रामायण में तो वहां तक कहा है कि अगर किसी निर्दोष को दंड मिलता है तो उसके जो आंसू है, आसू है वो एक राजा को कर सकते हैं। निर्दोष को तो कभी दंड नहीं देना चाहिए तो इस प्रकार से जो रामायण में आते हैं वो ही शांति पर्व में तो है ही बट ही नारद मुनि जी के संवाद में भी आते हैं और वैसे भी महाभारत में पूरी की पूरी रामायण कही गई है वन रामोप क्या है पूरी की पूरी कही जाती है तो और विदुर नीति की मुझे लगता है थोड़ी सी विस्तार से और चर्चा कर लें हैं थोड़ा सा ब्रीफली तो हमने उसको टच किया था लेकिन मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करनी आवश्यक है क्योंकि उसमें जो बिंदु जैसे दिए हुए हैं पे सभी पे एक पे बात की जा सकती है कि ये जो प्रहलाद डिस्कोर्स ऑन क्वालिटी तो लीडर है ये क्या है तो उसमें जब वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं ना तो उनका हेतु तो यही है कि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र सही कार्य सही निर्णय ले और ये युद्ध ना होने दे और पांडवों को उनका जो राज्य है वो लौट लो, लौटा दे यही उनका उद्देश्य है कोर्स ये बात वो जितनी बार कहते हैं उतनी बार धृतराष्ट्र कहते हैं हाँ हाँ बात तो सही है मुझे और सुनाओ ऐसे कर करके कर तो वो और सुनाने में वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो संवाद जो मतलब जो हम कहते हैं ना कि उनके लिए जो इतिहास है वो इतिहास की कथाएं सुनाते हैं जिसमें एक ये है कि प्रहलाद और सुंधावा है उनके बीच एक डिस्कोर्स है कि भाई राजा के एक जो राजा है राजा के गुण कैसे होने चाहिए और उसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं कि वो आ, उसने सत्य बोलना चाहिए सारे जो उनके मंत्रिमंडल है उनका किस तरीके से चयन करना चाहिए खुद के क्या गुण होने चाहिए ये सब है पर एक और प्रहलाद की कथा आती है जो एक्चुअली बहुत सुंदर है तो मैं वो बताना चाहूँगी इसमें तो प्रहलाद की एक और कथा बताते हैं विदुर और जैसे मैंने कहा कि उद्देश्य तो विदुर का यही है कि धृतराष्ट्र सही से निर्णय ले कि उन्होंने अपने पुत्रों और जो पांडवों के पुत्र हैं उनके साथ कैसे वो न्याय करे तो उसमें वो एक बात बताते हैं कि प्रहलाद का एक पुत्र है विरोचन और एक ऋषि है एक ऋषि पुत्र है जिनका नाम है सुंधावा तो एक बार क्या होता है कि ये विरोचन और जो सुंधावा है उनके बीच टकराव हो जाता है टकराव क्यों होता है तो केसिनी नामक एक युवती है एक वो ऋषि की पुत्री है और बहुत सुंदर है तो विरोचन चाहता है कि केसिनी से मैं विवाह करूं और जो सुंधावा है उसे कि नहीं नहीं मैं ही केसिनी से विवाह करूंगा अब निर्णय कैसे ले तो वो दोनों केसिनी से पूछते हैं अब ये जानती है एक वो देखती है कि एक राजा का पुत्र और एक ऋषि का पुत्र वो निर्णय नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मैं एक को हाँ कहूँ दूसरे को ना तो वो क्या दूसरा रिएक्ट करेगा शीज, उसे उसकी उसका जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो वो कहती है देखो मैं कुछ नहीं कहूँगी आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो और निर्णय ले लो कि आप जो आप में से जो भी फाइनल होगा उसके साथ में विवाह करने तैयार हूँ पर अब निर्णय कैसे ले क्योंकि विरोचन को ऐसा है मैं तो राजपुत्र हूँ मेरा ही हक बनता है तुम कौन हो मुझे रोकने वाले तो मेरा ही हक बनता है सुंधवा कहता है नहीं तुम राजपुत्र हो तो क्या हुआ मैं विद्वान अधिक हूं मैं ऋषि पुत्र हूं तो मेरा हक बनता है पहले के सीढ़ी से विवाह करने का क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं तो विरोचन को है कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ सुधावा को है नहीं मैं मैं श्रेष्ठ हूं अब कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय कैसे किया जाए तो सुधावा कहता है कि भले प्रहलाद तुम्हारे पिता हैं पर मुझे अपने राजा पे पूर्ण विश्वास है कि वो जो कहेंगे सही कहेंगे तो हम राजा के पास जाते हैं और राजा को ही कहेंगे कि न्याय करिए इस बात पर कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है और जो भी श्रेष्ठ होगा वो से विवाह करेगा साथ में एक और क्लॉज डाला है कि जो हार जाएगा मतलब जिसको जो जिसे प्रहलाद कहेंगे कि नहीं ये श्रेष्ठ नहीं है वो अपना जीवन त्याग देगा तो ये उनका क्लॉज है कि जो श्रेष्ठ है वो विवाह कर लेगा जो नहीं है वो जीवन त्याग देगा क्योंकि दोनों का ही अहंकार है कि नहीं भाई हम ही हम ही श्रेष्ठ हैं तो जाते हैं प्रहलाद के पास प्रहलाद उन प्रहलाद देखते हैं वो कहते हैं अरे ये मित्र तो है नहीं क्या हो गया क्यों यहाँ आया दोनों एक साथ फिर उनको पता चलता है कि ऐसा है और सुधुवा कहता है अब आपको ही निर्णय लेना है कि कौन हम दोनों में से श्रेष्ठ है अब प्रहलाद कहते हैं कि अरे कैसे निर्णय लिया जाए इसका तो वो सुंधवा को पूछते हैं कि अगर राजा गलत निर्णय ले तो क्या होता है तो सुंधवा कहता है कि जो राजा अगर गलत निर्णय लेते हैं वो भी इसलिए है क्योंकि उनके परिवार का कोई है और प्रेम अगर वो अनबायस्ड होकर आ, पक्षपाती ना होकर निर्णय नहीं लेते और पक्षपाती होकर लेते हैं तो उनका उनकी जो आने वाली पीढ़ियां है ना वो भी नष्ट हो जाती है उनका राज्य तो नष्ट होता है पर आने वाली पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती है तो इसीलिए राजा को पक्षपाती नहीं होना चाहिए तो और ये सब सभा में बात चल रही है विरोचन भी सुन रहा है तो फिर वो आ, प्रहलाद कहते हैं ठीक है तो वैसे भी मैं पक्षपात तो नहीं करूंगा जो सही निर्णय है वो ही और वो विरोचन से कहते हैं देखो ये जो सुंधवा है इसके पिता जो है वो मुझसे श्रेष्ठ है इनकी माँ जो है वो तुम्हारी माँ से श्रेष्ठ है और इसलिए तुम तु, तुमसे भी अधिक श्रेष्ठ सुंधावा ही है ये बात तो पक्का पक्का है अच्छा अब निर्णय तो हो गया कि सर्वश्रेष्ठ जो है राजा ने निर्णय कर दिया कि जो श्रेष्ठ है वो सुंधावा है सुंधवा श्रेष्ठ है का अर्थ क्या कि विरोचन को अपनी जान दे देनी है ये जानते हैं प्रहलाद कि ये उनका क्लॉज है बट फिर भी उन्होंने जो सही निर्णय था वो ही किया और जब वो जब सुधवा ने देखा कि ये निर्णय जो राजा प्रहलाद ने किया है वो उन्होंने एकदम बिना पक्षपात के जो सही निर्णय है वो किया है तो वो कहते हैं क्योंकि आपने न्याय संगत निर्णय किया और अपना बेट अपने बेटे के जीवन की परवाह ना करते हुए सही निर्णय किया इसलिए मैं आपके बेटे को इस क्लॉस से मुक्त करता हूँ और मैं उसकी मृत्यु नहीं चाहता तो प्रहलाद भी खुश हो जाते हैं और ये है कि चलो अब किसी भी के पास जाना है तो सुधुआ कहते हैं मैं नहीं कह सकता उसे राजा आप ही कहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो वो मेरी मेरे साथ विवाह करेगी और फिर सुधुआ का विवाह हो जाता है बट अगेन बात यही है कि वो इस कथा द्वारा भी बताना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि एक राजा को कैसा होना चाहिए कोई भी परिस्थिति में एक राजा को जो न्याय संगत है वो ही निर्णय लेना चाहिए अपने और पांडु के पुत्रों में फर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि राज धर्म ही वही है कि सत्य कि जो आपका न्याय है वो सत्य पर आधारित हो तो ये कथा वो बताते इसीलिए कई बार यद्यपि जो जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है कि वो बाद में आरोपित किया गया है संभवतः लेकिन उसमें भी यदि आप राम और सीता वाला प्रसंग जो है वो राजधर्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जी तो वो तर्क संगत ही दिखेगा एकदम सही कहा आपने संजय जी इसलिए भले लोग कहें कि वो प्रक्षिप्त है ये वो वो अपनी जगह है वो जो विवाद है वो अपनी जगह है पर मुझे लगता है उसके बावजूद वो जो प्रसंग है ना वो समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो प्रसंग क्या है वो धर्म संकट का प्रसंग है कि आप अपनी प्रजा को चुनते हैं प्रजा सर्वपरिव ही राजधर्म है ना तो क्या अपनी आप प्रजा को चुनते हैं या अपने पत्नी को चुनते हैं यही तो धर्म संकट है और ये बात एक्चुअली सीता जी बहुत अच्छे से समझती हैं इसलिए जब लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि श्री राम ने आपका त्याग किया है तो वो श्रीराम पर गुस्सा नहीं होती वो कहती है कि अगर मेरे कारण ये अफवाह ये जो आ, आ, लोक आपवाद हो रहा है तो राजा का राजधर्म राजा अपना राजधर्म निभाए वो मेरा भी कर्तव्य है मेरा भी कर्तव्य है कि ये जो कलंक है वो राज परिवार पे राजा पे ना लगे इसलिए मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि मेरा भी ये कर्तव्य था वो भी तो रानी है ना उनका भी तो प्रजा की ओर कर्तव्य है तो वो इस बात का उन्होंने कभी बुरा नहीं माना कि अरे उन्होंने क्या कर दिया सीता जी ये समझी हैं कि अगर प्रजा और पत्नी में चयन करना हो तो एक राजा के लिए प्रजा का ही चयन करना उचित है और आज लोग कहते हैं अरे छोड़ देना चाहिए ये वो मतलब क्या राज राज में क्या रखा था वो भी त्याग देते अरे वो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि राजा बनना एक प्रिविलेज है अधिकार की बात है नहीं वो एक कर्तव्य है आपके लिए आपकी प्रजा इतने वर्ष रुकी है आपका शब्द न्याय है आप कहते हो उस प्रजा मानती है है ना और अगर वो विश्वास आपको बनाए रखना है तो आपके चरित्र पर आपके पूरे परिवार के चरित्र पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए वो कैसे होगा अगर राजा दिखाएगा अपने एक्शंस में कि मेरे लिए आप ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रजा अच्छा अब उस परिस्थिति में भी उन्होंने भले ही सीता जी का त्याग किया वो चाहते तो पुनर्विवाह कर सकते थे ना एक पत्नी व्रता उनके पूरे परिवार में तो कोई नहीं था उनके पिताजी भी नहीं थे ना ही ना, उनके बाद रहे हैं ऐसा कोई लोकाचार भी नहीं, नहीं था उल्टा बहुपत्नी का लोकाचार था जो राजा थे उन सबकी पत्नियां होती थी और वो भी महत्वपूर्ण होता था फिर भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया जिससे कि पर बिल्कुल भी शंका नहीं है ये तो प्रजा के लिए मैंने किया है और जब लोग कहते हैं अरे क्या ऐसे कैसे सीता जी के साथ अत्याचार हुआ अरे बात तो वही है ना धर्म संकट जब होगा तब आप एक आपका जो कर्तव्य है वहाँ कहीं ना कहीं तो ट्रेड ऑफ होगा और हम हमारे नेताओं से क्या चाहते हैं अगर उनकी पर्सनल और पब्लिक लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या हम नहीं चाहते कि वो हमारे हमारा चयन करे कि वो पब्लिक का चयन करे क्योंकि वो नेता बने ही हमारे कारण हैं तो मापदंड श्रीराम के लिए क्यों बदल जाएंगे बट वही है ये राजधर्म की ही बात है बिल्कुल 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 और फिर इसके बाद इसमें एक जस्टिस ऑफ प्रहलाद आ गया Advice for a king. ये थोड़ा बहुत similar, similar है वो जो आ, हमने राजधर्म का देखा ना ये similar है इसलिए मैंने उसे लिखा भी संक्षिप्त में है बट ये वही है कि राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए किस प्रकार से आपके आसपास जो भी लोग हैं उनका उनकी परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है ये ये बात आती है ये बात तो कंटिन्यूसली आती है कि आप आपके मित्र हो मंत्री हो जो भी कोई हो उन सबकी परीक्षा तो अवश्य लेनी चाहिए बिना परीक्षा लिए किसी पर अंधा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए और एक बात जो वापस बार बार आती है इन सारे ही एडवाइस टू द मतलब राजा के संदर्भ में वो कहते हैं कि राजा ने कोई भी बात वो कार्य समाप्त होने के पहले लीक नहीं होनी चाहिए कि पहले तो आप देखिए ऐसा होता था ना कोई भी कुछ करना कुछ हो बट लीक हो जाती थी दलाल होते थे जो जिनका काम ये होता था कि न्यूज़ या तो तो लीक कर दे वगैरह तो वो कहते हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए राजा की जो निर्णय है वो एक तो लोगों को भी भी तो गुप्त रखना, को, रखना ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी का फायदा उठा सकते हैं और आपके काम को खराब कर सकते हैं तो ये भी एक बात बार बार आती है। एक काम गीता तो आपने इसके ऊपर चर्चा हो गई गी। व्याध गीता की चर्चा करें क्योंकि हाँ। तो व्याध गीता मुझे भी एक मेरा भी बड़ा प्रिय प्रसंग है व्याध गीता में दो कहानियां आती हैं एक छोटी एक बड़ी है और ये अगर कोई व्याध गीता का भाग पढ़ ले तो ये जो हमारे पे वो लेबर्स लगाए जाते हैं ना कि जातिवाद नारी द्वेष ये वो एक प्रसंग ये जो कथा से ही सॉल्व हो जाएंगे और ये कथा आती है वन पर्व में तो जब आ, पांडव वनवास में है तब तो मार्कंडेय मुनि के साथ उनके काफी सारे चर्चा विचारणा हो रही है उसमें ये एक प्रसंग है व्याध गीता का तो होता क्या है एक पंडित है पंडित से ज़्यादा एक ब्राह्मण है जो जिन्होंने जो अपने घर से निकल गए हैं और वेद पाठ शास्त्रों का अभ्यास वगैरह कर रहे हैं तो एक बार क्या होता है कि वो आ, अपना वो अभ्यास वगैरह कर रहे थे तो उनपे एक जो पक्षी है उन्होंने ये कर दिया क्या कहते हैं चरक बीट कर दिया। बीट कर दिया हाँ तो उससे वो अत्यंत क्रोधित हो गए और वो क्रोध के कारण उन्होंने वो गुस्से से देखा पक्षी को और श्राप दे दिया और वो उनके गुस्से के कारण वो पक्षी गिर जाता है और मर जाता है अच्छा अब वो मर तो गया पक्षी पर इनको फिर थोड़ा सा दुख होता है कि अरे अरे बिना वजह मैंने इतना क्रोध कर दिया तो अभी मेरे पे वो कंट्रोल तो आया नहीं है पर अब ठीक है फिर वो जाते हैं भिक्षा मांगने तो जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक गृहिणी है उनके घर के बाहर भवती भिक्षाम देही करके वो रुके हैं तो वो जो स्त्री है घर की वो बोलती जी 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 स्वामी जी ब्राह्मण जी मैं आती हूँ अभी और उत वो भिक्षा लेकर आए उतने ही देर में उनके पति आ जाते हैं पति आ गए बच्चे आ गए और वो आए होते हैं उनको भूख लग रही है तो वो उनकी खाना वाना खिलाने में और उसमें व्यस्त हो जाती है और उसके दिमाग के ध्यान बाहर हो जाता है कि ये तो खड़े हैं भिक्षा मांगने के लिए तो थोड़ी देर ये रुके फिर वापस इनको गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं अरे कहाँ रह गई तुम तुमने मुझे यहाँ रुक कहा यहाँ प्रतीक्षा करो और तुम आई ही नहीं बाहर ये क्या तरीका है किसी ब्राह्मण को से व्यवहार करने का क्या तुम जानती नहीं हो ब्राह्मण का क्रोध जो है वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार वो गुस्से में बात करने लगते हैं तो दौड़ते दौड़ते ये स्त्री आती है और वो क्षमा याचना करती है और कहती है कि मुझे क्षमा करिए मेरे पति आ गए थे बच्चे आ गए थे और मैं नित्य ही इस समय उनके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ तो उसमें मेरे दिमाग से निकल गया कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे, मेरी मुझे क्षमा करिए मैं अभी आपको देती हूँ भिक्षा पर ये जो ब्राह्मण थे वो तो गुस्से में ही थे तो वो और भी कह, कहने लगे कि अच्छा तुम्हारा पति मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऐसे कैसे तुम तो मुझे भूल गई वगैरह वगैरह तो जब वो इस प्रकार वापस गुस्सा करने लगता है तो वो स्त्री उनके सामने देखती है और बहुत शांति से कहती है वो कहती है ब्राह्मण जी मैं वो पक्षी नहीं हूं जो आपके क्रोध के कारण गिर के मर जाऊंगी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैं एक गृहिणी हूँ मैं अपना कर्तव्य बहु बखूबी जानती हूँ मेरे लिए कौन महत्वपूर्ण है ये मैं जानती हूँ और आज तक मैंने अपना स्वधर्म जो है वो बहुत अच्छे से निभाया है इसलिए आपके क्रोध का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला मेरे से गलती हुई है मैंने आपसे क्षमा मांगी है अब मैं आपको भिक्षा देती हूँ तो ये जब वो बात करती है तो उनका तो क्रोध तो उतर जाता है और उनको लगता है इस स्त्री को वो पक्षी की बात कहाँ से पता चली तो वो पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चली तो वो कहती है देखो जो मनुष्य अपना स्वधर्म निभाता हो पूरे कन्विक्शन से पूरे कमिटमेंट से जब निभाता हो तो उसकी शक्ति ही अलग होती है इसलिए मैं ये इसलिए आपने जो आपके साथ जो हुआ वो मैं जान गई थी और वो कहती है कि भले आप शास्त्र का अध्ययन आपने इतना किया है सही धर्म क्या है ना ये आप समझे नहीं है अगर आपको सही धर्म सीखना है तो मिथिला में एक व्याध है व्याध मतलब शिकारी भी होता है और व्याध मतलब जो मांस बेचता है वो भी होता है तो वो कहते हैं मिथिला में वो जो व्याध है उनके पास आप जाइए वो आपको बताएंगे धर्म क्या है तो इनको बुरा भी लग रहा है कि हाँ अपने क्रोध पे इनका कंट्रोल नहीं है और शायद सही बात है वो गृहिणी कह रही है तो सही बात होगा तो मुझे जाना चाहिए मिथिला उनको मन में ये भी लग रहा है कि पता नहीं व्याध से मैं क्या ही सीखूंगा बट ठीक है वो जाते हैं मिथिला जब मिथिला जाते हैं तो वो पूछते हैं लोगों से कि ये जो व्याध है वो कहाँ है तो लोग उसे उनकी दुकान बताते हैं और वो जो लिटरली वो जो सीन का डिस्क्रिप्शन है वर्णन है संजय जी उसमें ऐसा है कि वो जाती जाते हैं अंदर दुकान में और ये व्याध बैठा है बाजू में कहीं सुअर का मांस है कहीं कुछ और मांस है कहीं भेड़ बकरी का मांस है वो पड़ा हुआ है और वो तो बेच रहे हैं ना क्योंकि उनका काम ही वही है और बहुत सारे ग्राहक वहाँ पे हैं जो वो ख़रीदी कर रहे हैं तो ये तो देखते हैं इनको वैसे ही घृणा होती है कि अरे मैं कहाँ पर आ गया फिर भी वो रुकते हैं बाजू में फिर उनको वो व्याध देखता है और उसे समझ आ जा जाता है कि मतलब उनको ध्यान में आ गया ये क्यों आए होंगे तो वो अपना काम निपटाते हैं और जाते हैं आ, उस ब्राह्मण के पास और कहते हैं कि अच्छा आप मुझसे मिलने आए हैं ना मुझे पता है ये जगह आपको अच्छी लग रही और यहाँ पे आप मत्र रुकिए आप मेरे घर चलिए तो मुझे आप काम निपटाने दीजिए फिर मेरे घर चलते हैं तो वो उनके घर गए और उनका स्वागत वगैरह किया अर्घ पानी सब दिया वगैरह फिर सबसे पहला प्रश्न ही ये पूछते हैं उनसे वो ब्राह्मण वो कहते हैं मैंने तो सुना तुम बहुत धर्मनिष्ठ हो और मुझे धर्म का समझ की समझ मिले इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ पर तुम ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो ऐसे जैसे अधर्म है वैसा कार्य है ये मांस बेचना वो तुम क्यों कर रहे हो और उसके जवाब में उसके उत्तर में पूरी व्याद गीता जो व्याध समझाते हैं ब्राह्मण को कि कार्य महत्वपूर्ण नहीं है आप उस कार्य को कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है कि वो हम कहते हैं ना कि डिग्निटी ऑफ लेबर तो हर एक में है अगर वो कहता है कि मैं जो मांस भी बेच रहा हूँ तो वो मैं बहुत अच्छे से बेचता हूँ उसमें मैं कुछ गलत काम नहीं करता खराब मांस किसी को नहीं देता जो भी करता हूँ एकदम धर्मनिष्ठ होकर अपना कार्य भी निभाता हूँ एंड वो कहता है कि हम हिंसा की बात कर रहे हैं तो हिंसा तो कौन से प्रोफेशन में नहीं है और आज अगर लोग मांस खा रहे हैं जो भी है तो वो सप्लाई चेन तो है ना <laughs> तो वो सप्लाई चेन की बात नहीं करते पर बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर लोग खा रहे हैं तो उसे बेचने में क्या दिक्कत हो सकती है ये तो मेरे पूर्वजों का काम है जो मैं कर रहा हूँ पर मैं मेरा जीवन कैसे जीता हूँ वो आप देखिए मेरे प्रोफेशन में भी मैं धर्मनिष्ठ हूँ मेरी वैल्यूज मेरे मूल्य बहुत स्ट्रांग है कि मैं किस प्रकार से अपना कार्य करता हूँ और उसके साथ साथ मैं अप, मैं, मैं जो अपने गृहस्थी का कर्तव्य निभाता हूँ वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और वो फिर अपने माता पिता के साथ का उनका संबंध है वो दान कैसे देते हैं स्वयं का जीवन कैसे जीते हैं वो कहते हैं भले ही मैं मांस बेचूं पर मैं स्वयं मांस नहीं खाता और जो भी बाकी जो एक धर्मनिष्ठ को करना चाहिए वो सब मैं करता हूं मैं नियमित हमेशा सत्य ही बोलता हूँ बाकी जितनी हिंसा कम हो सके करता हूँ वगैरह वगैरह फिर वो हिंसा पे थोड़ी चर्चा है जिसमें वो कहते हैं कि हिंसा कम से कम हो पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें हिंसा तो है ही नहीं इसलिए मनुष्य को उसको पकड़ के नहीं लेना चाहिए जो समाज में चलता है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कोई एक्सट्रीम पोजीशन उस मामले में नहीं लेनी चाहिए तो उस पर भी वो थोड़ा सा ज्ञान देता है तो और फिर आगे जाके कि मतलब ये और विस्तृत है बट जनरली इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदाज़ा मैंने दे दिया पर ये पढ़ने जैसा है जो उनका संवाद है वो बहुत ही सुंदर है आज के हमारे बहुत सारे जो विवाद चलते रहते हैं ना उन पर भी लोगों को समझ वो थोड़ी बहुत विचार करने का अवसर मिलेगा जी हाँ हमारे शास्त्रों को लाछित किया जाता है कि उसमें उसमें छोटा बड़ा या जिसको कहते हैं कि नीच कर्म और उच्च कर्म इस प्रकार का उसमें वर्णन है लेकिन यदि में देखें तो हाँ। तो वो तो बिल्कुल जिसको आपने लेबर, इससे अच्छा तो कोई वर्णन हो नहीं सकता एग्जैक्टली <laughs> <Exactly, exactly. laughs> और वो व्यक्ति जो है वो मांस भी बेच रहा है और वो सारे अपने कर्म भी कर रहा है और उसके बाद भी वो उसमें लिप्त नहीं है बिल्कुल भी वही है कि कार्य क्योंकि कर्तव्य है धर्म है इसलिए वो कर रहा है उसमें संग नहीं है उसका उसमें क्योंकि उस, उसमें वो लिप्त नहीं है इसलिए वो घृणा भी नहीं करता है आवश्यक है काम करना तो करो और यही हम देखिए मतलब हर कर्म का अपना सम्मान होता था हमारे समाज में आज कहीं ना कहीं वो विकृत हो गया है पर यही तो बात थी क्योंकि इसका जो अगला प्रसंग है आप वो यक्ष प्रश्न यक्ष प्रश्न तो मुझे लगता है कि वो ख्याल पैंतीस छत्तीस वो है तो यक्ष प्रश्न और उसमें हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण तो है और इसी का मुझे संभवतः चौतीसवा जो प्रश्न है वो पूछते हैं ब्राह्मण कौन है हाँ। और उसका जो उत्तर युधिष्ठिर देते हैं वो मेरे विचार से एक सर्वकालीन उत्तर है और ये सारी समस्याओं का समाधान समाधान है समाधाने। वही बात वो नहुष प्रश्न में भी आती है जहाँ युद्धिष्ठर वही बात कहते अजगर पर्व में कि कोई शास्त्र से कोई जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता अपने वृत्ति से अपने आचार से उसी अपने स्वभाव से ही ब्राह्मण बनता है ये वो बहुत बहुत ही क्लियरली कहते हैं और नहुष प्रश्न में तो वो फिर तो उनको पूछा जाता है तो फिर क्या जन्म का कोई अर्थ नहीं है हम कहते हैं जाति में जन्म हुआ तो उसका कोई अर्थ नहीं है वो कहते है, नहीं जाति में जन्म हुआ वो तो ठीक है परंतु मतलब वो महाभारत के समय की बात कर रहे हैं उस काल की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक इतनी ज्यादा इंटरमिंगलिंग आप वर्ण संकरता या जो भी है वो हो चुकी है कि आज केवल जन्म का कोई प्रयोजन नहीं है आज तो केवल वृत्ति ही किसी की वृत्ति ही डिसाइड करेगी कि वो ब्राह्मण है वैश्य है क्षत्रिय है या क्या है बिल्कुल और तो यक्ष प्रश्न के और जो प्रश्न है जो वो थोड़ा उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें जी तो उसमें से बहुत सारे ऐसे रिडल्स के जैसे हैं उसमें से मुझे दो तीन बहुत पसंद है तो एक तो एक तो कहते हैं कि राष्ट्र की मृत्यु कब होती है मनुष्य की मृत्यु कब होती है और राष्ट्र की मृत्यु कब होती है तो उसके उत्तर में ये हमने शुरुआत की थी ना लक्ष्मी से मुझे मुझे इसलिए बात पसंद है युधिष्ठिर कहते हैं मनुष्य की मृत्यु दरिद्र जो दरिद्र मनुष्य है ना वो मृत समान है क्यों क्योंकि वो किसी और पे डिपेंडेंट है वो अपनी रोजी रोटी भी सही से नहीं कमा पाता एंड वो क्या जीवन है दरिद्र जीवन कोई जीवन नहीं है वो मृत्यु समान है बहुत क्लियरली वो कहते हैं और वो कहते हैं कथम राष्ट्रम मृतम तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं अराजकम जहां पे एनआर की हो गई है जहां का राजा सही से रूल नहीं कर रहा है जहां मात्स्य राय की परिस्थिति है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रहा है कोई दंड की व्यवस्था नहीं है ऐसा जो राष्ट्र है वो मृत है फिर एक दूसरा वो तो बहुत फेमस है खैर कि उसे पूछते हैं कि कह आश्चर्य क्या आश्चर्य की आश्चर क्या बात है और उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि रोज ही अहनी अहनी भूतानी कि रोज के रोज ही इतने सारे जो लोग हैं पशु हैं प्राणी हैं सब कुछ है वो मृत्यु के मुख में जाते हैं फिर भी जो रह जाते हैं शेषाहवरम स्थावर थी वो कहते हैं कि जो बच जाते हैं उनको तो लगता है कि वो तो हमेशा अनित्य यही रहने वाले हैं उनकी मृत्यु तो आने ही नहीं वाली इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि आप रोज ही देख रहे हो कि लोग मर रहे हैं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं उनके साथ हुआ हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो कहते हैं इससे बड़ा तो आश्चर्य नहीं है <laughs> और, और एक है वो भी एक्चुअली वो मुझे बहुत ही प्रासंगिक भी लगता है वो एक प्रश्न जो उनको पूछा है कि का पंथा कि सही मार्ग कौन सा है जिसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि जो श्रुति है जो श्रुति वाक्य है उसमें भी कुछ कुछ अलग अलग हो सकता है भिन्ना कि वो भिन्न हो सकते हैं तर्क का जो लोग लगाते हैं उसमें भी फर्क हो सकता है ऋषि के जो मत है ना उसमें भी भिन्नता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो फिर आप कैसे निर्णय लो तो युधिष्ठिर कहते हैं महाजना ये नगता सा पंथा कि आपके पहले जिसे आप महान समझते हो उन्होंने उन परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लिए कौन सा पथ उन्होंने चुना ये देखिए आप वो ही सही पथ आपके लिए भी हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि आप केवल पुस्तक में लिखा है इसीलिए वो करो आप पुस्त, जो स्क्रिप्चर्स जो शास्त्र में लिखा है वो तो महत्वपूर्ण है ही है परंतु लोगों ने उन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया है अपनी बुद्धि और अपने अनुभव के द्वारा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो सब ध्यान में रखकर आपको निर्णय लेना है जी वॉट इज द फाउंडेशन ऑफ धर्म? एंटरप्राइज वो कहते हैं कि हार्डवर्क मेहनत दक्षता दिस इज द फूटिंग ऑफ धर्म। कुछ और प्रश्न है इसमें जो दर्शकों को आनंदित करेंगे उनको भी थोड़ा सा आपसे विचार कर लेते हैं तो क्योंकि आपने इसमें सारे ट्रांसलेट कर दिए हैं लगभग तो ये गिविंग अप वॉट एंडियर अ पर्सन क्या छोड़ दोगे तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे तो वो कहते हैं कि अहंकार अगर आप छोड़ दोगे तो लोगों के प्रिय हो जाओगे क्या छोड़कर मनुष्य दुखी नहीं होता क्रोध छोड़कर मनुष्य दुखी नहीं होता <laughs> 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 ये तो बात सही है तो, <laughs> नहीं तो तो हम कुछ भी छोड़ने की बात करें तो दुखी हो जाते हैं ना क्रोध छोड़ दोगे तो दुखी नहीं होगी गिविंग अप व्हाट मेक्स अ पर्सन प्रॉस्परस क्या छोड़कर मनुष्य समृद्ध हो जाएगा तो अगर आपकी कामनाएं कम हो अगर आपकी तृष्णा तृष्णा ही कम हो जाए वो ही आप तृष्णा ही छोड़ दें तो आप समृद्ध हो जाओगे गिविंग अप व्हाट मेक्स अ पर्सन हैप्पी लोभ छोड़ दो सुखी हो जाओगे क्योंकि लोभ है तो ईर्षा है ईर्षा है तो दुख है <laughs> <laughs> और इसमें है कि ये भी, री, री वो वो कहते कहते हैं हैं है कि 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 रिया रिया जब में ना आप अगर किसी को दे भी रहे हो तो थोड़े शर्म से दो कि भाई अरे मैं आपको मेरी औकात नहीं देने की मैं दे रहा हूँ आप प्लीज एक्सेप्ट करिए तो वो है कि सेंस ऑफ शेमस की वो री किससे रहे कि आपको द, आपको ऐसा काम करने से हमेशा हमेशा शर्म आनी चाहिए कि जो गलत है अगर समाज उसे गलत मानता है तो वो नहीं करना चाहिए ये शर्म आपको आंखों की शर्म की जो बात करता है ना उसकी वो बात कर रहे हैं कि यू शुड हैव दैट कि वो शर्म है ये भी जो है ये में होने ही चाहिए और बचपन से मोरालिटी एक्चुअली एक हमारे यहाँ भी पूरे विश्व में कि एक एक स्क्रिप्चुरल मोरालिटी है और एक यूनिवर्सल मोरालिटी है तो ये यूनिवर्सल मोरालिटी जो है वो भारतीय शास्त्रों में ही मिलती है सामान्य धर्म भी जिसे कहते हैं ना कि प्रत्येक को कैसे जीना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को जैसे ये है इसमें कि हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पर्सन एंगर क्रोध भाई वो गीता में आता है आपको तो पता है कि <laughs> कि मनुष्य पाप क्यों करता है कहता है ना कि अथक के प्रयुक न प्रयुक्त पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन भी कभी तो करना भी नहीं चाहता और कृष्ण कहते हैं काम है क्रोध है ऐश ये क्रोध ही है जो अच्छे अच्छे मनुष्य से पाप करवाते हैं क्योंकि वो आपकी बुद्धि को हर लेता है <laughs> What disease has no cure? Greed has no no cure? लोभ का कोई क्योर नहीं है <laughs> और और लोभ से ही जो है वो आप मित्र मित्रता समाप्त होती है लोभ से ही पूरी महाभारत उसी पे तो है ना कि लोभ किसी और का ले लो पूरी महाभारत वो इज अ नोबल पर्सन अ पर्सन हु डिजायर द वेल बीइंग ऑफ ऑल सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय सर्व वही है ना सुखाय व्हाट इज ग्रीफ इग्नोरेंस ऑफ ट्रू नॉलेज इज ग्रीफ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है

और ये बात इसी में नहीं और भी जगह आती है कि कौन है जो सुखी है तो वो कहते हैं जो विदेश में ना रहता हो अब आज वो बात उल्टी हो गई है देखिए सब ज्यादा जाते हैं विदेश क्योंकि उनको लगता है वहां सुख है पर इस इस प्रश्न से मुझे ये लगता है कि उसका मतलब हमारे देश में कितनी समृद्धि हो गई है ना कि इसको छोड़ के जाने में लोगों को लगता था कि अरे तुम कहाँ चले गए अपने यहाँ तो सब कुछ अच्छा है <laughs> तो भाई लिव इन अ फॉरेन लैंड जो विदेश में नहीं रहता और भले ही थोड़ा खाता हो पर किसी के किसी के उधार में आके ना खाता हो जब भी भी खाए अपना खाए अपने बल पर खाए हाउ लॉन्ग इज अ पर्सन नोन टू एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज अ पर्संस वर्चुअस एक्शंस आर नोन इन द वर्ल्ड ही इज नोन टू ट्रूली एग्जिस्ट इन इस पे एक कथा है अमृत तो है ये तो इस पे एक कथा है ये जो महाभारत में आती है ये आती है वनपर्व में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा है और वो स्वर्ग में गए हैं अच्छा वो आपने पूछा मुझे उससे ये याद आ रही है बहुत सुंदर कथा है ये तो वो राजा है और उनको स्वर्ग मिला हुआ है तो हम तो कहते हैं ना कि स्वर्ग नर्क जो भी है वो भी टेम्पररी है हमेशा वहाँ रहते हैं ऐसे तो नहीं है उसमें भी आपके जो कर्म सत्कर्म का आपने यूज कर लिया उपभोग कर लिया कि आपको वापस जन्म लेना है तो उनके पास देवदूत जाते हैं और कहते हैं कि आपका हो गया समय समाप्त स्वर्ग में अब आपको वापस जन्म लेना है तो वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे मेरा समय समाप्त हो गया मेरा मुझे तो नहीं लगता मेरा समय समाप्त हुआ वो तो देवदूत कहते हैं ठीक है आप ही जाके पता करिए तो जाते हैं वो राजा और पहले उनको कोई मिलता है वो एक ऋषि मिलते हैं वो ऋषि से पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं राजा इंद्रदम्न को तो वो ऋषि कहता है नहीं हम तो घूमते रहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कौन ये राजा है पर आ, मेरे से वृद्ध एक उल्लू है उसको जाके पूछते हैं तो वो लोग जाते हैं दोनों वो उल्लू के पास और उल्लू को पूछते हैं कि तुम जानते हो ऐसे कोई राजा इंद्रदुम्न को तो उनको कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं जानता पर मुझसे भी बूढ़े कोई तो है तो ऐसे कर कर के फिर फाइनली एक वो जो आ, आ, क्या कहते हैं हम कि टोटल टोटॉइज जैसा होता है उसके पास वो जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम जानते हो आ, राजा इंद्रद्युम्न को और वो बात सुन के वो जो टोटोइ है वो आ, क्या कहते हैं कूर्म जो है वो अश्रु उसकी आँखों से बहने लगते हैं और वो कहता है हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ उनको ये जो तालाब आप देख रहे हो जहाँ मैं वास करता हूँ ये तो उन्हीं के दान के कारण वो इन्होंने इतनी गायों का दा दान किया है इतने यज्ञ किए हैं कि उनके पास से जब गाय जाती थी तो इतनी सारी गाय जाती थी कि उनके पगदंडों से लाइक उनके पैरों से ये तालाब बन गया है और मैं उस तालाब में रह रहा हूँ इसलिए मैं तो इंद्रदिन्न को बहुत अच्छे से जानता हूँ तो जब ये बात आती है तो देवदूत फिर से आते हैं कि हाँ क्योंकि अभी तक तुम्हारी कीर्ति है तुम्हारी कीर्ति जब तक समाज में है तब तक तुम्हें लोग याद करते रहेंगे और जब तक लोग याद करते हैं तब तक तुम स्वर्ग में रहोगे और उसका उल्टा अगर, अगर तुम्हारी, तुम्हा, तुम इतने हो कि लोगों को याद कर रहे बहुत सारे लोग इनको तो बहुत कहते हैं लोग और उनको लोग जो है आज की जमाने में बिल्कुल एक तरह से उनकी निंदा करते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका समाप्त और अंत में आपने इसमें स्वर्गारोहण की चर्चा की तो स्वर्गारोहण वैसे तो है, है full of meanings, full हाँ। of से पूरा भरा हुआ है तो इसके क्या अर्थ हैं तो स्वर्गारोहण लोग केवल एक कथा के रूप में देखते हैं कि अच्छा अरे तो उसमें ये दिखाते हैं जनरली यहाँ पर समाप्त कर देते हैं कि अरे देखो युद्ध हुआ हम तो कहते हैं कि अच्छा बुरा पर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता फाइनली तो दुर्योधन को भी स्वर्ग मिल गया और ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं एंड जनरली हमारे लिए तो कहते हैं ना कि कुछ सही कुछ गलत नहीं है सब चलता है सब ग्रे है ऐसी ऐसी, ऐसी बातें करते हैं पर स्वर्गारोहण को सही से पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि एक तो ऑफकोर्स उसमें यह है कि वो पाँचों पांडव और द्रौपदी जा रहे हैं एक एक करके वो सब गिरते जाते हैं और केवल अंत में धर्मराज है जिनके साथ ही कोई कुत्ता है और वो आ, उनको लेने फिर इंद्र आते हैं वो कहते हैं तुमको मैं तुम अकेले हो जिसको पहली बार स शरीर स्वर्ग लिया जा रहा है इसके पहले भी ऐसे कभी नहीं हुआ और इसके बाद भी नहीं होगा क्यों क्योंकि तुम धर्म को बहुत अच्छे से जानते हो ऐसी सब बातें आती है चलो ठीक है फिर वो जब जाते हैं तो उनको सबसे पहले दुर्योधन तो, तो आता है कहते हैं कि कुत्ते को साथ लेके जाएंगे हाँ तो मैंने वो उस शॉर्ट में बताने की बात कही थी कि वो जो कुत्ता उनके साथ है तो पहले तो इंद्रदेव कहते हैं आप चलो और युधिष्ठिर कहते हैं कि कुत्ता जो है वो भी मेरे साथ जाएगा इनफैक्ट मेरी जो पुस्तक है उसकी मैंने <laughs> इमेज ही वो वाली है स्वर्गारोहण वाली <laughs> तो आ, कि ये कुत्ते को मैं साथ लेके जाऊंगा तो इंद्र कहते हैं अरे बट कुत्ते को तो हम शुभ भी नहीं मानते इवन जब यज्ञ करते हो तो अगर वो उसे खा ले जूठा कर दे तो उस उस प्रसाद को भी हम नहीं मानते तो कुत्ते को मान ले जाने की आवश्यकता नहीं है और युदेश्वर कहते हैं नहीं नहीं ये जहाँ जब से हमने चढ़ाई शुरू करी है तब ये कुत्ता मेरे साथ ही साथ है ये मेरे रेफ्यूज में है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता अगर कुत्ता नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा मैं इसको इस समय यहाँ अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकता और जब वो कहते हैं कि भाई कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी तो नहीं जाऊंगा तो कुत्ता धर्म है धर्मराज है जिन्ह जो यक्ष यक्ष प्रश्न यक्ष प्रश्न जिस जिस यक्ष ने पूछा था वो भी फिर कहता ना कि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ धर्मराज हूँ तो ये वही है जिन तो वो कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हारी टेस्ट कर रहा था परीक्षा ले रहा था तुम क्या करते हो तुमने जो किया वो एकदम सही है जो तुम्हारे शरण में आए हैं शरणागत वत्सल तुम हो कि तुम्हारे शरण में आए हैं उनका तुमने साथ दिया फिर वो चले जाते हैं स्वर्ग अब स्वर्ग जाते हैं तो युद्धेश्वर पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरे सारे भाई मेरी पत्नी ये सब कहाँ है मुझे दिखाई नहीं दे रहे तो दूत कहते हैं नहीं दिखेंगे दिखेंगे आप रुको और उसे वो महल जैसा है वहाँ जाते हैं महल जैसा जाते हैं तो वहाँ तो दुर्योधन बैठा है दुर्योधन मस्ती में बैठा है ऐशो आराम कर रहा है और उनको देख कर बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि जिस मनुष्य के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें मेरे परिवार के लोग तो छोड़ दो पर भारतवर्ष के इतने सारे क्षत्रिय मर गए वो इसके कारण और ये क्या कर रहा है यहाँ स्वर्ग में बैठ के तो वो जब ये बात करते हैं तो जो बाकी देव है वो उन्हें कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अब तुम लोग अब तो सबकी मृत्यु हो गई है अब स्वर्ग यहाँ आ गए हो तो जो धरती का तुम्हारा जो वैर था जो शत्रुता थी वो सब छोड़ देना चाहिए फिर भी युधिष्ठिर को कुछ बात ठीक नहीं लग रही वो कह रहे ये तो भाई तुम्हारा कैसा न्याय है मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये किस प्रकार का न्याय है पर मुझे मेरे भाई बहन मेरे भाई और पत्नी कहां, ये तो मुझे बताओ आप मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पर वो है वहाँ जाना चाहता हूँ तो उनसे कहते ठीक है चलो चलो तो उनको ले जाते हैं एक सड़क से और आगे जाते जाते एकदम बदबू वहाँ पर आने लगती है कहीं कुछ मांस पड़ा हुआ है कहीं कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई है कहीं कुछ मरे हुए शरीर पड़े हुए हैं वो गीद वहाँ पर है आवाज़ें अजीब अजीब से आ रहा है गंदगी फैली हुई है वो कह रहे हैं कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे तो एक हद पे तो ऐसे होता है कि उनको चक्कर जैसे आने लगता है वो बदबू के कारण और वो कहते हैं कि ये हम कहाँ जा रहे हैं मतलब आ, मुझे बताओ तो सही कहाँ ले जा रहे हो तो देवदूत कहते हैं कि अच्छा आपको वापस चलना है तो चल सकते हैं हम वापस और आगे जाने की आवश्यकता नहीं है तो ये भी इनको भी समझ नहीं आता है तो ये भी वहाँ रुकते हैं सोच रहे हैं क्या करूँ जाओ ना जाऊँ उतने टाइम में उनको अपने भाइयों की अपनी द्रौपदी की और द्रौपदी की आवाज़ें सुनाई देती है कि महाराज आप मत जाइए आप यहाँ पर हो तो हमको थोड़ा तो अच्छा लग रहा है आप आए हो तो हमें थोड़ी ठंडक मिल रही है नहीं तो हम यहाँ जल रहे हैं तप रहे हैं और फिर वो और सीन है कि वो किस प्रकार टॉर्चर रूम्स है और कैसे टॉर्चर हो रहे हैं सारे वैसे तो ये देख तो और भी थक्का लगता है युधिष्ठिर को कि ये क्या मेरे भाई बंधु यहाँ पर हैं जबकि मेरे भाइयों ने तो केवल धर्म का साथ दिया है अब तक मेरी पत्नी जैसी गृहस्थ गृहिणी तो किसी की थी नहीं जो गुण द्रौपदी में थे वो यहाँ कैसे हो सकता है और वहाँ दुर्योधन मजे कर रहा है ये किस प्रकार का धर्म है तो वो ये जब संताप में है तो वो वापस देवदूत कहते हैं कि चलिए चलिए आप यहाँ से चलिए और वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे किसी वो क्यों क्योंकि क्यों वो कहते हैं कि आपको तो स्वर्ग में जाना है आपको यहाँ नहीं रहना तो युद्धिर कहते हैं देखो ऐसा है जहाँ पर मेरे लोग रहेंगे मेरे बंधु बांधव रहेंगे मैं वहीं रहूँगा मुझे आपका स्वर्ग नहीं चाहिए मैं यहीं पर इनके साथ रहूँगा अगर न्याय ऐसा है आपका कि दुर्योधन को स्वर्ग मिले और मेरे लोगों को ये तो मेरे को यही मंजूर है और मैं यहीं रहने वाला हूँ तो जब ये कहते हैं तो फिर से सारा वातावरण बदल सा जाता है सुगंध फैलने लगती है ठंडी हवा चलने लगती है तेजोमय सब कुछ हो गया है और इंद्र और यमराज और सब लोग वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं हम तुम्हारी तो परीक्षा ले रहे थे <laughs> तुम्हारे जो <जाए> परीक्षा <laughs> फिर हाँ कि तुम्हारे जो पत्नी तुम्हारे जो भाई हैं वो सब लोग स्वर्ग में हैं ये तो तुम्हें नर्क का अनुभव मात्र कराना था और वो कहते हैं कि जितने भी राजा जितने भी क्षत्रिय हैं उनको स्वर्ग नर्क का थोड़ा बहुत अनुभव करना पड़ता है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा कोई खराब काम या गलत काम ना हुआ हो इसलिए जो कर्म सिद्धांत है ना वो हमारा क्या कहता है कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक बुरा काम किया और एक अच्छा काम किया तो वो एक दूसरे में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं ऐसा नहीं होता है जो भी करते हो उसका फल मिलता है गलत है तो उसका भी फल मिलता है सही है तो उसका भी फल मिलता है तो तो इसलिए वो कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत हुआ होता है गलत कार्य अधर्म का जो भी हुआ होगा अनजाने में भी हुआ होगा तो भी उसे भुगतना तो पड़ता है तो आपके लिए ये अनुभव आवश्यक था पर अब वो हो गया आपको वो आपके जो गलत कर्म जो भी होंगे उसका फल मिल गया अब आप स्वर्ग में ही रहेंगे और वो कहते हैं यही बात आपके जो भाई बांधव पत्नी है उनके साथ भी यही है वो लोग भी अब स्वर्ग में हैं उनको अनुभव मात्र कराना था और फिर वो कहते हैं कि ये कैसे कार्य करता है तो अगर आपका अच्छा कर्म थोड़ा हो और बुरा अधिक तो अच्छे कर्म का भी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना स्पेशली दुर्योधन क्योंकि वो युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुआ था तो वो तो स्वर्गीय उसका तो फल अच्छा ही होता है क्षत्रिय के लिए ऐसी मृत्यु वीरगति को प्राप्त होने जैसी कुछ नहीं होती तो इसलिए अगर आपका थोड़ा अच्छा कर्म है और अधिक बुरा कर्म है तो आप पहले स्वर्ग में रहोगे फिर जब तक आपके कुकर्मों को लोग याद करते रहेंगे तब तक आप नर्क में रहोगे और उसके विपरीत अगर कर्म बुरे कर्म थोड़े हो अच्छे कर्म अधिक तो वो नर्क का अनुभव तो होगा पर उसके बाद जब तक आपके सत्कर्मों को लोग याद करेंगे उस समय तक आप स्वर्ग में निवास करेंगे और इससे फिर वो अंत होता है तो वो तो है लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह होता है कि युधिष्ठिर को भी मोक्ष नहीं मिला क्या मोक्ष तो उनको किसी को नहीं मिला पर वो दिखाते ऐसे हैं कि इवेंचुअली सब अपने अपने जो जिस प्रकार का वो दिखाते हैं तो अच्छा उसके बाद वो सशरीर भी निकल जाता है उसमें वो कथा है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर तो वैसे ही कोई नहीं, नहीं रह सकता इसलिए उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और फिर फाइनली जब वो एक्चुअल स्वर्ग स्वर्ग में पहुँचे तो वो देखते हैं कि अपने जो पुत्र हैं वो उनके उनके वो सारे ही अंश अवतार हैं ना तो वो अपने अपने अंशों में चले गए हैं भीष्म जो हैं वो वसुओं में चले गए हैं द्रौपदी जो है वो स्वर्ग की लक्ष्मी के समान वहाँ विराजमान है और अर्जुन और कृष्ण को तो नर नारायण कहते हैं तो वो कहते हैं वो वहाँ देखते हैं कि नारायण अपने पूर्ण वो जो आभा में वहाँ पर है और नर अर्जुन उनकी वहाँ पर भी स्तुति कर रहा है तो सब अपने अपने जो अंश जिसमें से आए थे उनमें फिर से विलीन हो गए और उससे वो समाप्त होता है फिर जय जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण बहुत ही आनंददायक प्रकरण रहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी आपकी इस पुस्तक के विवेचन के लिए और एक बार फिर मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं महाभारत अनरैवल डिस्कोर्सेज ऑन धर्म ये पार्ट टू है महाभारत अनरबल का और ये उपलब्ध है इस समय एमेजोन पर भी उपलब्ध है और वैसे भी इसको आप क्रय कर सकते हैं अन्य प्लेटफॉर्म पर भी और अब, क्योंकि आपके अब कमेंट्स में बहुत लोगों ने पूछा था तो महाभारत का जो पहला भाग है महाभारत अंडरावेल का वो अभी हिंदी में भी उपलब्ध है महाभारत का अनावरण नाम से और रामायण का अनावरण नाम से भी वो हिंदी में उपलब्ध है तो हिंदी में भी वो आ चुका है इसको ये तो अभी अभी इंग्लिश में आई है तो उसको थोड़ा समय लगेगा राम हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमी जी आपका जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण